जाना बहुत जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी एक विधवा बहन है सर, जिसे मैंने कई बरसों से नहीं देखा। उसके मुझे कई खत आ चुके हैं, लेकिन आज तक मैं जा नहीं सका। उसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं। अच्छा, एक महीने की तो नहीं, 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। ले आओ। अरे भाई कौन हो? आदमी। वो तो दिखाई दे रहा है, मगर ये नहीं देखता कि ये फर्स्ट क्लास है। वो तो देखत है, आनर नहीं है। ओ, प्रभैया हो? जी। कौन से जिले? बनारस। मैं भी बनारस जा रहा। नाम क्या तुम्हारा? रामू। मुझे रतन कहते हैं। खूब मुलाकात, बहुत दिनों के बाद पूर्वी जबान सुनने में आई। आओ अंदर आओ। अटेंशन, भगवान राम से बहादुर कुंदन से रामू बाबू, तुम लोगों की छुट्टी कैंसिल की गई और फौरन ही ऑफिस में अपनी हाजिरी की इत्तला दो। जी, मेरा भी नाम पुकारा जा रहा है, अब मैं नहीं जा सकूंगा। अच्छा रामू, रामू भैया अपना बक्स यहीं भूले जा रहे हो? जी हाँ, मेरा ही है। रतन बाबू, हाँ? आप एक मेहरबानी करेंगे? क्या बात है? अगर मैं आपको एक पता दूं, हाँ? तो आप इसे उस पते पर पहुंचा देंगे? क्यों नहीं, पता लिख दो। संभाल के पहुंचा दीजिएगा। इस बक्स में मेरे खानदान की खुशियों का चिराग है। अगर ये इस पते पर नहीं पहुंचा, तो मेरी बहन के घर में अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी मिलिट्री वर्दी और पूर्वी बोली के विश्वास पर मैं ये आपको सौंप रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो रामू, बनारस पहुंचते मैं सबसे पहले यही काम करूंगा। भूलिएगा नहीं। Thank you.
चलता क्यों नहीं? सेठ जी छाता नहीं खुलता तो बंद करने की क्या जरूरत है? पायजामा कहीं का। बेली साहब, आप रुक्मिणी को आवाज देकर सम्मन की तामील कीजिए। हाँ जी। रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी। ओ सेठ जी, आइए आइए। वाह वाह सेठ जी, कितना अच्छा मुहूर्त है। रुक्मिणी बहन पूजा का थाल लेकर आई है। अरे रुपयों का थाल लेकर आती तो कुछ बात भी बनती। भगवान का प्रसाद तो हम रोज ही। बेलिप साहब जी, वो सरकारी नोटिस इनके हाथ में दे दीजिए। जी। सरकारी नोटिस? वो किस बात का सेठ जी? बात मैं बताता हूँ बहन। तुम्हारे पति सेठ जी से रुपया कर्ज लेकर दूसरी दुनिया में चले गए, इसीलिए सेठ जी अपना रुपया वसूल करने के लिए तुम्हारे घर की कुर्की का समन लेकर आए। मेरे घर की कुर्की? सेठ जी मुझे खबर तो दी होती, जरा सबर कीजिए, कुछ ही दिनों में मेरे रुपए आने वाले हैं। तो क्या तुम्हारा पति वहाँ से भी मनी ऑर्डर भेजता है? नहीं सेठ जी, मेरा छोटा भाई फौज में नौकर है ना, वो भेजेगा। हाँ हाँ, उसने भेजा और मैंने वसूल किया। रुक्मिणी देवी, तुम्हारा घर वाला बड़ा बेईमान था, मुझसे कर्ज लिया और चुपके से मर गया। अगर उसकी देने की नियत होती तो क्या दो चार महीने और जिंदा नहीं रह सकता था? देखिए सेठ जी, कर्जा मेरे पति ने लिया था, उसे चुकाना मेरा धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सर्वदासी को बेईमान के नाम से याद करें। बेली साहब, अगर रुक्मिणी सम्मन नहीं लेती है तो सम्मन दरवाजे पर चिपका दो। इस घर के लोग बेईमान हैं, इस घर की दीवारें बेईमान हैं। तो आप यहाँ ईमान खरीदने क्यों आए हैं? माँ, ये सेठ दयाशंकर है, तेरे पिता ने इनसे कर्जा ले रखा है बेटी। अच्छा, तो सेठ जी यहाँ क्या लेने आए हैं? जाइए मेरे बाप के पास। हाँ हाँ, ठीक ही तो कहती है सेठ जी, आइए चले उनके पास। तो पहले तू ही चलना, मैं पीछे आ जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है सेठ जी, मालिक के होते हुए नौकर आगे कैसे जा सकता है? पहले आप। हाँ हाँ सेठ जी, निक्का में देर मत कीजिए, जाइए जाइए। जानती नहीं, ये नगर के सबसे बड़े सेठ है, इनसे ऐसे बात नहीं करते। लेकिन ये वैसे भी तो मानने वाले नहीं है माँ, हर किसी के मुँह इस तरह नहीं लगते। जान दो, लेकिन पहले इनको तो बाहर भेज दूँ। दिलीप साहब जी, आप समन दरवाजे पर चिपका दीजिए। बात खुशी से खत्म हो सकती थी, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। गली मोहल्ले वाले समन को पढ़ेंगे और रुक्मिणी के स्वर्गवासी पति का नाम खूब रोशन होगा। आप मुंह क्या देख रहे हैं, अपना काम कीजिए ना। अभी लीजिए साधु, अपना काम हो गया, चल चलिए सेठ जी। काम हो गया, सेठ का बच्चा, घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी दूसरों का छीनता है। आ गए छोटे सरकार। पिताजी जी, बेटा जी, चिराजी कैसे रहे? देखो सरकार कौन थी, टिकट निकाल लेना बेटा जी। आइए आइए दयाशंकर भाई, माफ कीजिएगा आज गाड़ी जरा लेट थी। बेटा रतन, आप हैं यहाँ के मशहूर वकील बाबू राम प्रसाद जी, जी और ये है आपकी बेटी नलिनी। हाथ पकड़ो बेटा, शर्माते क्यों हो? ये हाथ तो हमेशा के लिए तुम्हारे हाथों में आ रहे, बड़ा शर्मिला है। मिस्टर रतन, मिलिट्री में आपका क्या रैंक है? मेजर तो जरूर होंगे। माफ कीजिएगा, सफर बहुत लंबा था, मैं थक गया हूँ। बनारस से? हाँ छोटे बाबू, ये बस मैं रूम में संभाल के रखूँ। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए। हाँ बेटा, तुम बहुत थके हो, आराम करो। वकील साहब बड़ा ही शर्मीला लड़का है, लेकिन बाप से बढ़कर बच्चे को कौन समझ सकता है। मैंने अच्छी तरह भाप लिया है, नलनी बिटिया उसे काफी पसंद आ गई। ये सब घर की चीजें कहाँ ले जा रही हो? बेचने जा रही हूँ। बेचने? क्यों? माँ तुम तो सारा दिन घर के अंदर रहती हो, तुम क्या जानो बाहर लोग हमारी कितनी बुराई करते हैं। और क्या करें, हमें जो उनका कर्ज चुकाना है। तो क्या इन चीजों के बेचने से कर्जा उतर जाएगा बेटी? और हमारे पास बेचने के लिए है भी क्या? मेरी आत्मा है, उसे बेच दो, लेकिन ये छाता और आरती का दिया ना बेचो बेटी।
ये छाता तुम्हारे पिता का हर वक्त का साथी था, धूप हो या बरसात वो इसे लिए बगैर बाहर नहीं निकलते थे। और ये आरती कतिया, वो अपना पेट काट काट कर भगवान की पूजा के लिए लाए थे बेटी। ये मेरे भगवान की निशानी है, इनको मत बेचो। मुझे तुम्हारे भगवान की कोई परवाह नहीं माँ, अगर वो भगवान होता तो हमारा बाल बाल कर्ज में न फंसा देता। जरूर तुम्हारा भगवान खुद गर्ज होगा, जो खुद तो मौज उड़ाता रहा और ये जिल्लत ये बदनामी ये कलंक हमारे हिस्से में लिख गया। मेरे भगवान को गाली दे रही है? तुम इसे गाली कहती हो माँ, अगर वो मेरे सामने होता तो क्या कुछ न करती। नालायक, शर्म नहीं आती अपने स्वर्गवासी बाप को कोस रही है? क्या यही औलाद का फर्ज है कि अपने मरे बुजुर्गों के नाम पर गाली गलौज का दान करे? नहीं माँ, नहीं, मैंने पिताजी को गाली नहीं दी माँ, मैंने पिताजी को गाली नहीं दी, मैंने पिताजी को गाली नहीं दी माँ। मैं तो उस भगवान को कोस रही हूँ जो आकाश पर बैठा हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, जो अपने आप को न्यायकारी कहलाता है लेकिन उसके हाथ में पकड़े हुए तराजू के दोनों पल्लड़े बराबर नहीं है माँ। लेकिन मैं तो अपने भगवान की, तेरे पिताजी की बात कर रही थी बेटी। रत्ना मुझे माफ करना, आज गुस्से में आकर तुझ पर मेरा हाथ उठ गया बेटी। ना करो, औरत हो ना, कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। रत्ना आज तुझे मेरी बात की कीमत नहीं मालूम बेटी, लेकिन जब तेरी शादी हो जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि पति का दर्जा भगवान का दर्जा होता। लेकिन उस वक्त शायद मैं इस संसार में नहीं रहूंगी। तेरी खुशी, तेरा सुख नहीं रख सकूंगी बेटी। नहीं माँ, नहीं, ऐसा ना कहो माँ। तुम सब कुछ देखोगी माँ, तुम सब कुछ देखोगी। इस आरती के दिए में फिर से सुख की जोत चलेगी माँ, फिर से सुख की जोत चलेगी माँ। चाय ठंडी हो रही है, कौन सा ऐसा खजाना खोए गवाए जो ढूंढ रहे हो? एक बहुत जरूरी पता खो गया बनारसी। अरे बाबू बा, एक पता बजे इतनी चिंता? तुम्हें क्या पता बनारसी, उस पते में एक खानदान की खुशियां और आशाएं बंधी। बाबू शायरी वाली तो हम नहीं समझे। लो जल्दी से चाय पी लो। लो बाबू, आपकी मिलिट्री वर्दी और पूर्वी बोली के विश्वास पर मैं आपको सौंप रहा हूं। इस बक्स में मेरे खानदान की खुशियों का चराग है। माफ करना बकरी, मुझे नजर नहीं आई। नजर कैसे आती, गाड़ी में बैठकर आसमान में उड़ना शुरू कर देते हो ना, तो जमीन की चीजें नजर कैसे आएंगी? नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हारी बकरी अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। हाँ हाँ, मेरी बकरी को जान से ज्यादा मौत प्यारी है ना, इसलिए तुम्हारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। ओहो, इसमें बिगड़ने की क्या बात है, ये लो अपनी बकरी की टांग की कीमत। अच्छा तो ये है मेरी बकरी की टांग की कीमत। बाबूजी, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगी, समझे? 20 रुपए अपनी टांग तोड़वाओगे? अगर तुम समझती हो कि मेरी टांग तोड़ने से तुम्हारी इस बकरी की टांग ठीक हो सकती है तो लो तोड़ दो। और तुम समझते हो कि ये 10 रुपए का नोट मेरी बकरी की टांग पर चिपकाने से मेरी बकरी अच्छी हो जाएगी? बाबूजी, जान जानवर की हो या इंसान की, बराबर ही होती है। जाओ जाओ, पहले इंसान बनने की कोशिश करो, ये नोट किसी और को दिखाना, रत्ना को नहीं, समझे? ये लो,
शुक्रिया, तुम्हारे कहने पर चलने की कोशिश करूंगा। खुद ही भूल से अपना नफा छोड़े जा रहे हो, कभी ढूंढने आते हो तो चोरी के इल्जाम में हमें पकड़वा देते। गरम मिजाज तो हो साथ में ईमानदार। बस बस रहने दो, अपना बक्सा लो और चलते बनो। लखनऊ वाले महाराज त्रिवेणी प्रसाद के घराने से हूँ। अच्छा हाँ। तो जरा सिंपल बताइए, इम्तिहान लेना चाहते हो? अच्छा रसी ली शुरू। गिरिधर ब्रिज धर मुरली धर धर मुरली खून 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 खून। अरे किसका खून? कौन का खून? धर धर मेरा मेरा मतलब धर लो इसे। कला देवी का खून यानी कि मिस आर्ट का। आप क्या मतलब? मतलब ये कि ये डांस मास्टर हैं और डांस वांस में कोई फर्क नहीं मालूम। हवलदार रास्ते पर भीड़ जम गई होगी, आप जाइए। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। ए प्रोफेसर, हमारे घराने को गाली देता है, जानता है लखनऊ का नाम हमसे रोशन है, हिंदुस्तान में अगर नृत्य कला जिंदा है तो हम लोगों से, अगर तुझमें कुछ हुनर है तो दिखाना। तो बोलो ना थोड़ा, तुम प्रोफेसर रसिया रसाल की ट्रायल लेते हो, बोलो थोड़ा। हाँ हाँ हटे पीछे अरे साहब निकल के हंसता क्या है? देखता नहीं नया जूता है, सोल चमकता है, मेरा मतलब चिकना है। अब के देख बजा फिर से। वाह 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 वाह। बस प्रोफेसर साहब, आज से मुन्नी आपके हवाले है, ऐसा नाच सिखाइए कि बिल्कुल आपके जैसे हो जाए। क्यों मुन्नी, प्रोफेसर साहब पसंद है ना? क्यों नहीं माँ, बहुत अच्छा नाचते हैं। सच पूछो तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई मास्टर ही नहीं होगा। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। और सच पूछिए तो हिंदुस्तान में आप जैसा आर्ट की कदर करने वाला भी नहीं है। अच्छा प्रोफेसर साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए छाछ लाती हूँ। अच्छी बात है। अब सुनिए तो सही, वो छाछ पे जरा मलाई मार के, हाँ जरा एक्सरसाइज हो गई ना, जब तक मैं बेबी को थोड़ा सिखा देता हूँ। आइए, आपका नाम क्या है? रामू का घर कौन सा बता सकती हैं आप? कौन सा रामू? इसी गांव का पता बताया था क्या? पता मालूम होता तो आपसे क्यों पूछता।
भैया रामू को जानते हो? कौन सा रामू? बनारस जिले में तो 50,000 रामू रहते हैं, आप किस रामू को खोज रहे हैं? राम मूर्ति, राम खिलावन, राम भुजावन, राम कृष्ण, राम दास। गलती होगी जो तुमसे पूछ बैठा। हाँ हाँ वही रामू जो मिलिट्री में था, नौजवान था। मगर मैं जिस रामू की बात कर रहा हूँ वो मिलिट्री में जरूर था, मगर उसे मरे हुए तो 20 बरस हो गए। हाय राम। उठो ना, गरम गरम चाय पी लो। कोई जरूरत नहीं है बेटी। जरूरत क्यों नहीं? बैठ कहता था तुम्हें सर्दी लग गई है, शरीर का ख्याल नहीं रखोगी तो अच्छी कैसे होगी? क्या करना है शरीर का ख्याल रख कर बेटी, कल सूरज निकलते ही इस घर की आत्मा बिक जाएगी। तेरे बाप दादा की निशानी ये घर नीलाम हो जाएगा। मुझे रामू पर पूरा भरोसा था, पर क्या करूं अपना खून ही दगा दे गया। वो दिन गए माँ जब भाई बहनों की परवाह करते थे, और तुम भी तो मामा के भरोसे हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। माँ कहो तो एक काम करो। क्या? मैं सेठ दयाशंकर के घर जाती हूँ, भगवान के नाम पर, उसके बाल बच्चों के नाम पर उसकी मिन्नत करती हूँ, शायद दयाशंकर के दिल में दया आ जाए। ये भी कोशिश करके देख ले। अच्छा माँ, लेकिन चाय तो पी लो। तू जा, मैं पी लूंगी। नहीं माँ, पहले तुम चाय पी लो फिर मैं जाऊंगी। उठा। अच्छा हाँ राम, शाबाश लो। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम घबराना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जा जल्दी है ना। तीन दो पांच चार नौ दो ग्यारह। अबे ग्यारह के बच्चे, वो ज्ञानपुर वाले रुपयों का क्या हुआ? सेठ जी ज्ञानपुर से 200 रुपए आ गए हैं, बस सिर्फ 50 रुपए असल के और 3 रुपए तिरानवे ब्याज के बाकी हैं। ये बाकी बाकी कब तक चलते रहेंगे, मेरी समझ में नहीं आता कि तू करता क्या। सेठ जी रामू की घरवाली बीमार हो गई। रामू की घरवाली गई जन्नू में और तुम गए भाड़ में, समझे? सेठ जी और रत्ना, तू अपना काम कर। अपना काम कर तू। तुम रुक्मिणी की बेटी हो ना, रुपए ले। फिर बोला तू, मैं कहता हूँ अपना काम कर, मैं मरने गया हूँ, जिंदा बैठा हूँ। अच्छा सेठ जी, ये सिर्फ असली लाई हो या साथ में सूद के रुपए भी है? सेठ जी रुपए तो आज भी नहीं आए, माँ की हालत अच्छी नहीं है, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। किस्मत में क्या लिखा है ये पूछने के लिए किसी ज्योतिषी के घर जाना था, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सेठ जी दया कीजिए, कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। पाई पाई चुका दूंगी? देख लड़की, मैं सुबह तक की मोहलत और देता हूँ। लेकिन सेठ जी रात की रात रुपए कहाँ से आएगा, मेरी माँ के जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर आपने इस वक्त हम लोगों पर रहम ना खाया तो शायद इसी सदमे के मारे मेरी माँ के प्राण निकल जाए। आज तो बड़ी भींगी बिल्ली बनकर आई है, याद है उस दिन अपने घर में मेरा मजाक उड़ा रही थी? सेठ जी वो मेरी भूल थी, मुझे माफ कर दीजिए। आप बड़े लोग हैं, छोटों की बात को दिल में रखना आपको शोभा नहीं देता, बस 4-6 रोज की और मोहलत दे दीजिए। तू क्या गर्दन हिला रहा है? दयाशंकर भाई आया है। वकील साहब, वकील साहब कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा जरा घूम आए बैठे बैठे। जरूर आइए, पर खाने के वक्त जरूर आ जाइए। हाँ, हाँ, जी जरूर। नल्ली बिटिया तुम भी जा रही हो? जी अंकल मैं भी जा रही हूँ। मैंने कहा बैठे बैठे क्या करेगी, चलो जरूर आइए। अभी तक तू यही है? तूने सुना नहीं कि मैंने कहा कि असल के साथ सूद के रुपए भी सुबह तक यहाँ आने चाहिए? कुछ तो दया कीजिए सेठ जी। अजीब लोग हो तुम, मैंने दयाशंकर नाम क्या रख लिया कि मुसीबत मोल ले ली। साधु तू देख नहीं रहा कि ये कब से मेरा मगज चाट रही है? देख, गर्म पकड़ के बाहर निकाल। तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। गरीबों का चूसा हुआ लहू आपको हजम नहीं, हजम होगा।
गई। माँ याद की सौगंध खाकर कहती हूं, मैं जीवन में उसी रास्ते पर चलूंगी जो तूने मुझे बताए हैं, और मैं तेरी हत्या का बदला लेकर ही रहूंगी। ये क्या? छुरी। और क्या है? छुरी किस लिए? हत्या के लिए। क्या आत्महत्या करने जा रही है? मैं इतनी डरपोक नहीं हूं जो आत्महत्या करूंगी। आत्महत्या की बारी तो तब आएगी जब मैं अपनी मरी हुई मां का बदला लूंगी। रत्ना, क्या क्या तुम्हारी मां मर गई? मरी नहीं, मारी गई है। कौन है वो खूनी? इसी नगर का एक धनवान सेठ दयाशंकर, जिसने चंद पैसों के लिए हमारा घर नीलाम करवा दिया। मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर भिखारन बनकर उसके दरवाजे पर भीख मांगने गई थी, लेकिन उसके दिल में जरा भी दया नहीं आई। मेरी माँ उसी के गम में मर गई। तो वो है तुम्हारी माँ का खून? हाँ, और अब उसका खूनी मैं बनने वाली हूँ। खून से ये छुरी रंगकर मैं अपनी माँ की समाधि पर टीका लगाऊंगी। रत्ना, मैं तुम्हारा दुख समझ गया। जो शाम टसता हो उसे कुचल ही देना चाहिए, लेकिन इसके लिए छुरी की कोई जरूरत नहीं। दुनिया की नजरों में वो बड़ा आदमी सही, लेकिन भगवान की नजरों में वो खूनी है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। भगवान उसे सजा देंगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उससे बदला कैसे लेना है। चलो चलो। ओह, थैंक यू भैया। मेरे भैया रामू, आशीर्वाद। तुम्हारे नाम ये मेरा आखिरी खत है। मैं सोचती थी भगवान मुझे दगा दे सकता है, मगर तुम नहीं। हमारा घर इस महीने की 11 तारीख को नीलाम हो रहा है, और क्या लिखूं तुम्हारी दीदी। लेकिन दीदी, मैंने तो तुम्हें रुपयों से भरी संदूकची भेजी थी, तो क्या वो अफसर भी बेईमान निकला? डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मुझे अपने घर जाना है, अभी जाना है। नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन बर्बाद हो जाएगी। रामू, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। जब अच्छे हो जाओगे बड़े खुशी से घर चले जाना। नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तन यहाँ है, लेकिन अब मेरा मन कहीं और है। आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ।
रामू तुम आराम करो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब सुनिए तो सही, मेरे घर पे बहुत मुसीबत आई है, मुझे जाना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब। आप बनारसी जी मालिक, इधर सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है मालिक, जरा बराबर देख रेख रखना। बहुत अच्छा मालिक। साधु क्या लिखा तूने? लिखा है सेठ जी 5 मन गेहूँ, 1 मन मैदा, 20 सेर रवा और 2 मन शक्कर। बराबर। अच्छा वो बरातियों की लिस्ट तैयार हो गई? हाँ सेठ जी, भंगी और नाई को मिलाकर 112 आदमी। अबे भंगी और नाई की क्या जरूरत है, तू तो है ही है, 110 कर बस। और सुनार से जाके पूछ कि जेवर अभी तक क्यों नहीं आए। बहुत अच्छा हाँ। और सुन सुन, सुन इधर कल्याण हो जजमान। पंडित जी आपसे मैंने जल्दी आने के लिए कहा था ना, आपको मालूम है कि मेरे लड़के की शादी है, न जाने किस वक्त कौन सा काम आने के लिए। आपके भाई साहब कहाँ हैं? वो एक जगह शादी में गए हुए हैं। शादी में गए हुए? आज कौन सा मुहूर्त है शादी का? किसकी शादी है? कह रहे थे कि मंदिर में सेठ दयाशंकर के लड़के रतन की शादी है। है? रतन की शादी हो मंदिर में? तो यहाँ क्या उसके बाप की शादी है? जी मैं समझा और कोई दयाशंकर होगा। एक दयाशंकर क्या कम है दुनिया में जो दूसरा पैदा हो गया? आज इसीलिए वो सारा दिन दिखाई नहीं पड़ा। साधु तू मेरे साथ आ, मैं खुद चलकर देखूंगा क्या मामला है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि। लो बेटा बहू की मांग भर दो। ठहरो पंडित जी। पिताजी, पिताजी गए घास चरने, वहां घर में एक दुल्हन बिठा रखी है और यहाँ दूसरे की मांग में सिंदूर भर रहा है। मैंने तुझे इसीलिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू मेरी आंखों में धूल झोंके। कौन है ये? सेठ जी ये अपनी रत्ना है, रुक्मिणी की बेटी। तो मैंने तेरा घर पुर्क कराया और तू मेरे बेटे को गिरवी रख रही है? देखिए बात ये है कि देख तो रहा हूँ, अब और क्या देखूंगा। बेटा रतन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू इस कंगली को यही छोड़ और चलकर उस लड़की का हाथ पकड़ जो अपने साथ जहेज में 4 लाख रुपए ला रही। तू सोच क्या रहा है बेटा, इस नहुसत को यहीं छोड़ चल मेरे साथ। तेरी ये मजाल, तू इसकी मांग में सिंदूर भरकर मेरी छाती पर मूंग डाल रहा। आज तुझे अपने बाप की इज्जत से ज्यादा प्यारी ये छोकरी हो गई है। याद रखना बेटा, मैं भी देख लूंगा, मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पिताजी कौन पिता और किसका पिता, मैं आज से तेरा बाप नहीं हूं, तू मेरा बेटा नहीं। पिताजी मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद। सेठ जी क्या कर रहे हैं? फिर सवाल पूछा तूने, देख नहीं रहा कि मेरी इज्जत का जुलूस निकल रहा है? वो तो देख रहा हूँ सेठ जी। तो देख, अच्छी तरह देख। छोटे सरकार चिंता न करो, सेठ जी का स्वभाव तो जानते ही हो, और अब तो बहू के मांग में सिंदूर भर गया है और वो भी भगवान के दरबार में। दुनिया से अब क्या डरना, आओ आओ मेरे सामने आओ, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। झुक जाओ, झुक जाओ। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, भगवान करे तुम्हारे इतना धन हो जितना तुम्हारे पिता के पास है और संतान इतनी जितनी मेरे पास है। इतनी रात में कहां से लाऊं? जो चीज तुम्हारे पास है उसे तुम्हारी आंखें, शहद की झील, तुम्हारे अमृत के जाम। छी, ऐसी बातें नहीं किया करते। क्यों? मुझे शर्म आती है। शर्म? शर्म किससे, यहां तो कोई दूसरा नहीं। अरे हाँ है एक, वो शिकचान बहुत मन चला है, जहां कहीं दो प्यार भरे दिलों को साथ साथ देखता है वहीं जम के खड़ा हो जाता है। चल चल
अपना रास्ता ले। क्या आपके कहने से चाँद चला जाएगा? क्यों नहीं, अगर मेरे कहने से ये चांद इस घर में आ सकता है तो क्या मेरे कहने से वो जा नहीं सकता? नहीं चंदा मामा, जाना नहीं। तुम चले जाओगे तो हम तुम्हें छेड़ेंगे। देखो रत्ना, आज से हम तुम्हें छेड़ने के लिए तुम्हारा नाम चंदा रखते हैं। मेरा नाम रत्ना ही ठीक है। क्यों? दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती है तो उसका मायके का नाम बदल दिया जाता है, समझी? जैसी आपकी मर्जी। अगर माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती, लेकिन मेरा दिल कहता है मेरी माँ उस दीपक की लौ में है और सुन रही है उसकी कंगली बेटी का नाम। आज किसी देवता ने प्यार से चंदा रख दिया है। चंदा, तुमने ये दीपक उस बॉक्स पर रख दिया है? जानती हो चंदा, ये बॉक्स देते हुए उसने मुझसे कहा था कि इसमें मेरी खानदान की खुशियों का चिराग है, लेकिन हमने इस पर अपनी मोहब्बत का चिराग रोशन कर दिया। ये बॉक्स इतना जरूरी है? हाँ चंदा, ये किसी की अमानत है, लेकिन मुझसे पता खो गया। मैंने उसके घर वालों की बहुत तलाश की लेकिन कुछ पता ना चला। न जाने इस बॉक्स में क्या है और उसके घर वालों को इसकी कितनी जरूरत है। तो इसमें आपका क्या कसूर है? अगर जानबूझकर ये बॉक्स ना देते तो दोष आपका हो सकता था। लेकिन मेरी लापरवाही तो थी, मैंने क्यों ना पता संभाल कर रखा। अगर इत्तेफाक से मुझे वो दोबारा मिल गया तो क्या वो मेरा यकीन करेगा? नहीं चंदा, वो जरूर मुझे चोर उचक्का समझेगा। ऐसा ना कहिए, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा कि कोई आपको ऐसे नाम से पुकारे। किसी ने अपने घर का बोझ हल्का करने के लिए ये बोझ आपको दे दिया और यही बोझ आपके लिए एक बोझ बन गया। देखिए, पहले आप अकेले ही ये बोझ उठाने वाले थे, लेकिन अब मैं भी आपके साथ हूं। आखिर आपके हर सुख दुख में मेरा भी तो आधा हिस्सा है। आप चिंता न कीजिए, इसे मैं उस वक्त तक संभाल के रखूंगी जब तक इसका असली हकदार न मिल जाए। लेकिन रत्ना रत्ना नहीं, अभी अभी आपने एक नया नाम दिया था ना, और इतनी जल्दी भूल गए। बताइए तो वो नाम क्या था? चंदा। दयाशंकर, तुम ये समझते होगे कि मैं अपनी बेटी की बेइज्जती चुपके से पी जाऊंगा और इसके बदले में तुम्हें एक दिन की जेल न कटवाई। मेरा नाम वकील राम प्रसाद नहीं। वकील साहब, बड़ा अच्छा होता अगर आप एक दिन के बदले एक साल के लिए मुझे जेल भेज देते। जिस बाप का इकलौता बेटा उसकी बात न सुने, उस बाप की कोई जिंदगी है? ये मैं कुछ नहीं जानता। अरे जिस लड़के की तुम इतनी तारीफ कर रहे थे वो न जाने उस निकम्मी लड़की के हत्थे कब से चला हुआ है। बस बस वकील साहब, मेरे जख्मों पर नमक न छिड़किए। रतन मेरा बेटा नहीं है, लानत है ऐसी औलाद पर। मेरा तो जी चाहता है कि किसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूं। अरे डूबने वाली शक्लें और होती हैं। डैडी, अंकल का दिल तो पहले से ही दुखा हुआ है, फिर आप क्यों उनको परेशान कर रहे हैं? गलती बेटे ने की, सजा बाप को क्यों मिले? जीती रहो बेटी, एक तुम ही ऐसी हो जो मेरे दिल का दर्द समझती हो। बेटी, मैंने कसम खाई है कि जब तक वो कमबख्त रतन तुम्हारे पांव छूकर माफी नहीं मांगेगा और माफी मांगकर तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा, तब तक मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं मिलेगी। आज से मेरे कारोबार, मेरे घर बार, हर चीज की मुख्तार तुम हो। होशियारी से काम ले रहे हो। हमने भी वकालत की है, कोई घास नहीं खोदी है। इस तरीके से जायदाद ले ले तो दुनिया हमारा मजाक नहीं उड़ाएगी। वकील साहब, ये किसी मंदिर की जायदाद नहीं है जिसे छूने से पाप लगेगा, ये मेरे पसीने की कमाई है। वो तो हम जानते हैं, खूब जानते हैं। बेटी, ये लो इस घर की चाबियां संभाल लो। सेठ जी, आपने सोच विचार लिया है? साधु, तू रतन का वकील बनकर आया है? साधु, तू बड़ा बदतमीज हो गया है। उसकी सजा तुझे ये मिलेगी कि कल से तुझे रतन के घर में नौकरी करनी है और तनख्वाह तू मुझसे लेगा।
जानता है वहाँ तेरी नौकरी क्या होगी? ये भी कोई पूछने की बात है सेठ जी, बेटे और बहू की लगन से सेवा करना। नहीं, रतन को समझा बुझा कर रत्ना से जुदा करना। राम 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 सेठ जी, फलते फूलते वृक्ष को काटना पाप होता है, लेकिन दो प्रेमियों को जुदा करना महापाप होता है। अगर नहीं करेगा तो जानता है क्या होगा? जानता हूँ सेठ जी, महापुण्य होगा, महापुण्य होगा। साधु, तुझे मालूम है कि तेरा मकान मेरे पास गिरवी पड़ा है और मियाद भी खत्म हो चुकी है, मैं कल ही दरख्वास्त देकर कुर्की ले सकता हूँ। सेठ जी, मेरे बाले बच्चों का तो ख्याल कीजिए। बोल बोल। क्या बोलूं सेठ जी? अच्छा सेठ जी, रतन के घर नौकरी करूंगा। तू क्या करेगा, तेरे घर की कुर्की कराएगी। आज ही से अपने धंधे पर लग जा। लग जाता हूं। है? ये क्या कर रहा है? वही जो उचित है, धंधा कसाई का, और माथे पर तिलक शोभा नहीं देता। अब आए हो भैया, बहुत देर कर दी। चले गए तुम्हारी बहन, नीलाम हो गया एक, पिछड़ गई रत्ना। अब क्या लेने आए हो? अब क्या लेने आए हो? बागों में खिलते हैं फूल, कसम तेरी आँखों की खाके। बागों में खिलते हैं फूल, कसम तेरी आँखों की खाके। आई समझ में जो भूल, गिरे तेरे पद्मों में आके। आई समझ में जो भूल, गिरे तेरे पद्मों में आके। के पीछे ये रूप सादा, बदली में जैसे हो चांद आधा। घूंघट के पीछे ये रूप सादा, बदली में जैसे हो चांद आधा। फूल कसम तेरी आँखों की खाके। आई समझ में जो भूल, गिरे तेरे पद्मों में आके। साथी जीवन की राहों के मासूम साथी, तेरी नजर पे लुटा दूं जमाना। ओ, 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 ओ बागों में खिलते हैं फूल। अरे मुओ, कहां सुबह सवेरे राम नाम के वक्त जुआ खेल रहे हो? देख लेना, एक दिन पकड़ लिए जाओगे। कोई खाने पीने की सस्ती सी दुकान है करीब में? पहले थी, अब नहीं है।
देखो बहुत भूख लगी है तो केला खाओ। अच्छा। कैसे दिया है? ग्राहक समझ कर नहीं दिया, समझे? मुफ्त में नहीं लूंगा, कीमत बताओ। देखो कीमत लेनी है तो दूसरी दुकान ढूंढो जाओ। अच्छा लाओ लाओ, वही भूखा मरता क्या ना करता। बैठो। भूखा भी है और प्यासा भी। सुना आपने राम कहानी? क्या करोगी सुन के, मेरा अपना दुख है, कोई से क्यों बांटे। अरे बाबा बोल ना, मैं औरों जैसी नहीं हूँ। वो तो नजर ही आ रहा है। अच्छा लो तुम्हें सुनाता हूँ। मैं बचपन से यतीम हूँ, एक विधवा बहन थी, एक उसकी छोटी बच्ची, उन्हीं का पेट पालने के लिए फौज में भर्ती हो गया था। एक दो साल की मेहनत के बाद जो कुछ बचा सका वो जमा करके अपने एक अफसर के हाथ घर को भेज दिया, वो उस तरफ छुट्टी पे जा रहा था। समझी समझी, गरीब का माल खा गया होगा। और क्या? तेरी बहन और भांजी का क्या हुआ? फौज की नौकरी छोड़ने के बाद जब घर पहुंचा तो ना घर था, ना बहन थी और ना रत्ना। रत्ना? ये रत्ना कौन लगती है तेरी? मेरी बहन की लड़की। अच्छा अच्छा, तो वो लोग कहाँ चले गए? सुना कि मेरी बहन पैसों का इंतजार करते करते मर गई, घर नीलाम हो गया। अब मैं हूँ रत्ना की तलाश। और वो अफसर का बच्चा दोबारा मिला? मिल जाता तो उसे जिंदा छोड़ देता, अभी अगर मिल जाए तो। अरे कौन जाने, मुआ मर खप गया होगा, रत्ना मिली कि नहीं? इसी आज पे तो जी रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है, अगर वो मिल भी जाए तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? जब उसे पिछली बार देखा तो बेचारी 10 बरस की थी। ऊपर वाले पे आस रख, एक ना एक दिन मिला ही देगा। अच्छा बता खाता कहाँ है? कभी कभी खा लेता। अरे मैं पूछती हूँ खाता कहाँ है? जहाँ मिल जाए। छी छी छी, ये अच्छी बात नहीं। अरे मर्द का बच्चा है, अपने हाथ से कमा के खा, समझे? नाम क्या है तेरा? रामू। देख मेरा बाबा रिक्शा खींचता था, उसके मरने के बाद रिक्शा बेकार पड़ी है, बाबा की निशानी है इसलिए बेची भी नहीं। तुम्हें रत्ना को ढूंढना है ना, तो क्यों ना रिक्शा चलाया कर, एक पंदो काज हो जाएंगे। मैं रिक्शा चलाएगा? हाँ हाँ, अभी रिक्शा चला, मेरे पास मोटर हो जाएगी ना, तो चला लिया करना। कमीज तो छुपक में गई है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं समझी कि वो आ गए। आपका नाम? नलिनी। आप नलिनी हैं? आइए आइए आइए, अंदर आइए बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मुझसे गलती हो गई, लीजिए लस्सी पीजिए। मक्खन जो खा ली, अब लस्सी की क्या जरूरत है? चाय बना के लाऊं? ये चाय का वक्त है? मत पीजिए, लेकिन गुस्से की क्या जरूरत है? वो तो आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही ना कि मेरी जिंदगी को पहाड़ समझकर उसने बारूद लगा दिया, मुझे खिलौना समझकर उठा के फेंक दिया। जरा धीरे धीरे बोलिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे समझ में क्यों आने लगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हाथों के तोते उड़ जाएंगे। तोते? लेकिन हम तो तोते नहीं पालते। आज कुछ भी कह लो, लेकिन याद रखो कि मिट्टी के घोड़े पर सवार होकर कोई दरिया पार नहीं जा सकता। एक दिन तुम भी उसी तरह रोगी जैसे मैं आज रो रही हूं। इससे तो ये अच्छा है कि तुम मुझसे 10,000 रुपया ले लो और कहीं जाकर अपना जीवन सुख चैन से गुजारो। 10,000? आप मुझे 10,000 रुपया देंगी? 10,000 क्या, अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया भी दे सकती हूँ। लेकिन बहन, तुम एक ऐसी चीज की कीमत डाल रही हो जिसकी कीमत भगवान भी नहीं डाल सकता।
सिंगार करना हर लड़की का अधिकार है, लेकिन किसी के सिंगार पर हाथ डालना कोई अच्छी बात नहीं। मेरा सुख छीनकर मुझे नसीहत दे रही हो? औरत को औरत नहीं समझाएगी तो और कौन समझाएगा? आप आई थी यहाँ झगड़ा मोल लेने, लेकिन घर की मालकिन का कर्तव्य है कि आपको समझा बुझा के ठंडा कर दे। साधु, नई नौकरी मिलती तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया। अगर सच्चे आदमी हो तो खुद ही फैसला करो, क्या ये कंगनी यतीम लड़की रतन के साथ अच्छी लगती है? क्या दो मिनट के लिए भी रतन इसे अपनी सोसाइटी में ले जा सकता है? देवी जी, जिसका दिल घर में लगता हो उसको सोसाइटी में जाने की क्या जरूरत है, और रतन का दिल घर में लगता है इसलिए उसे बाहर जाने की क्या जरूरत? रहने दो साधु, बंगले में रहने वाला क्या इस क्वार्टर में खुश रहेगा? देखो बहन, जहां तक उनका संबंध है वो यहाँ बड़े मजे में है, उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं। हाँ, अगर कभी किसी बात की जरूरत पड़ी तो मैं मशवरे के लिए आपको जरूर बुलाऊंगी। और रतन भी क्या खूब किस्मत वाला है, हीरे को हीरा ही मिलता है। एक ये हीरा है और एक रतन हीरा है। दगाबाज, बेवफा, बेवकूफ, मैं तो उसे अंधा समझती हूँ। अगर उसे आंखें होती तो इस सोने की जंजीर छोड़कर लोहे के हथकड़े पहन ली। नलिनी, जो कुछ कहना है मुझे कहो, अगर उनके बारे में एक शब्द भी जबान से निकाला तो जबान खींच लूंगी, समझी? ये रहा दरवाजा, निकल जाओ, निकल जाओ। नलिनी, तुम कब आए? अरे कहाँ चली? उस पर बैठो तो सही। शुक्रिया, इस घर में आज जो मेरी इज्जत हुई इसे कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात हुई चंदा? छोटे सरकार, मैं बताता हूँ बात क्या हुई। बात ये हुई छोटे सरकार कि देवी जी मालकिन से झगड़ा मोल लेने आई। मालकिन ने कह दिया कि हम झगड़े का व्यापार नहीं करते। बस देवी जी आपको कोसने लगी, फिर क्या था, मालकिन का गुस्सा भड़क उठा। सरकार, ऐसा गुस्सा जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। क्या हुआ चंदा? ऐसी कोई खास बात नहीं, माँ ने एक बार एक बात कही थी, वही मुझे याद आ गई। खैर छोड़िए इन बातों को, आज मैंने अपने हाथों से लस्सी बनाई है, आइए। चलो। अरे तुम कहाँ चले? आओ ना, आओ। हाँ हाँ बाबा, आओ। दादी दिखाई, दिख दादी दिखाई, दिख दादी दिखाई। रसीली, तेरा जवाब नहीं, दो दिन में ये कमाल। अरे तेरे फूले फूले गालों को मक्खी की नजर न लगे, चश्मे था था नहीं समझी, चश्मे बंदू। पलमा, अरे हो पलमा, घर पे नहीं है। रसीली, तेरी माँ कहाँ है? पिताजी के पास गई है। अजीब आदमी, यही मेरे पिताजी हैं। मगर पिताजी मोसो चूक भाई, धन्य हो जिसने ऐसी होनहार, बरखुरदार, ताबेदार, गुले गुलजार लड़की को जन्म दिया है, धन्य हो। दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे। रसीली, ये पागल कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है यहाँ? रसीली, इनको बता दो कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, विदाउट एनी डर। पिताजी, ये प्रोफेसर साहब है, मुझे नाच सिखाती है। समझा, अब तक तेरी माँ मुझे नचाती रही, जब थक गई तो तुझे नचाना शुरू किया। जो मिस्टर, कहाँ के रहने वाले हो? रसालपुर का। ये शहर कहाँ हुआ? शहर नहीं, रियासत है, एक गलती से नक्शे में इसका नाम नहीं छपा। इसे कब से नाच सिखाना शुरू किया है? यही दो चार रोज हो गए। इनकी माता जी को तो मैं इनके पैदा होने की बधाई दे ही चुका हूँ, अब आप भी स्वीकार करिए, बड़ी गुणवंती लड़की है, आर्ट की दुनिया में बड़ा नाम पैदा करेगी, आप देखना तो सही। जहन्नुम में गया ये नाम और जहन्नुम में गया ये आठ। जहन्नुम में गया? कब गया? मैंने तो कभी आते जाते देखा ही नहीं। नहीं देखा? नहीं नहीं देखा। नहीं तो मैं दिखाता हूँ, निकल यहाँ से। देखिए ना, आर्टिस्टों से प्यार करते हैं, उन पर छतरी नहीं उठाते। अबे नचनिए, जाता है या नहीं यहाँ से? जाता हूँ पिताजी, जाता हूँ। याद रख, जब फिर कभी घर में कदम रखा तो। मैं तो याद रखूंगा, लेकिन रसीली तू ऐसा सबक मत याद करना। क्या कहा? कुछ नहीं, हमारे आपस की बातें, वो समझ गई होगी। हाँ, अकलमंद को इशारा काफी, मैं चलता हूँ। प्रोफेसर, अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? चेहरा उतरा हुआ? हाँ।
मैं क्या सेहत बनाने के लिए रिक्शा चलाता हूँ? अच्छा अच्छा, थक गए हो, आज पहला दिन था ना? फिक्र ना करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अरे मैंने पहली बार जब सर पर नींबू की टोकरी उठाई थी ना, तो मेरे भी गर्दन में बल पड़ गया था, मगर अब 100 तरबूज रख दो, मजा ले कुछ हो जाए। अच्छा हाँ, अच्छा काम कैसा रहा? काम मुझे सच पूछो ना, ये गधे का काम है जो इंसान से लिया जाता है। अरे गरीब में और गधे में कोई फर्क होता है क्या? जिंदगी भर दोनों बोझ ही तो ढोते रहते हैं। अच्छा तू कहती है तो ठीक ही हो। ये ले पैसे। पैसे? हाँ। किसके पैसे? तेरे और किसके? मेरे। हाँ, 1.5 रुपया आज की कमाई। वाह वाह वाह, बड़ा आया कमाने वाला। तुमने 1.5 रुपया कमाया तो मैंने 3.5 रुपए कमाए, समझे? रखो अपने पास। क्या करती हो गुलाबी, ले लेना, तेरे यहाँ रहता हूँ, तेरा ही खाता हूँ। अरे खाना भगवान देता है, आदमी क्या खिलाएगा। हाँ वैसे रिक्शा का किराया विराया देना हो तो किसी दिन धोती और चोली का कपड़ा ले आना, नकद वकद ना लूंगी। हाँ अच्छा हजूर, नौकरी तो फौज में भी की है मगर ऐसा कड़क अफसर नहीं ले रहा। अरे हम अफसर अफसर नहीं है, हम तो नौकर हैं, नौकर। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, चलिए दीवार पर निशान लगा दीजिए। वो क्यों? ये भी अच्छा शगुन होता है, चलिए। अच्छा? हाँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? ये भी शगुन होता है। हाँ ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जब शरीर दो और जान एक होती है तब ऐसा ही होता है, इसीलिए तो दुनिया जल रही है सरकार। सुनाओ साधु, वहाँ की क्या खबर है? वहाँ अच्छी खबर तो हो नहीं सकती। क्यों? किसी का घर को रख, किसी का बैल हजम, किसी को गाली गलौज। लेकिन एक बात है छोटे सरकार, राज मालिक ने बड़े प्यार से एक छोटा गिलास लस्सी का पिलाया है, तभी से डर लग रहा है कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। सरकार एक तार वहां आया हुआ था आपके नाम। मेरे नाम? हाँ, 4 दिन हुए आया था, लेकिन कहीं इधर उधर हो गया, बड़ी मुश्किल से आज हाथ लगा है। कहाँ से आया है? हेडक्वार्टर से, मुझे फौरन ड्यूटी पर बुलाया, बल्कि 2 दिन देरी भी हो गई। साधु इस वक्त कोई गाड़ी जाती है? 8 बजे मेल जाती है, लेकिन अब तो 1 ही घंटा रह गया है। चंदा जल्दी से मेरा सूट केस और बिस्तर तैयार करो। अरे तुम चुप क्यों खड़ी, क्या हुआ? क्या आपका जाना बहुत जरूरी है? हाँ चंदा, सरकारी हुक्म जो हुआ। तुम क्यों डर रही हो, वहां कोई खतरा नहीं। त्योहार के दिन सफर पर जाना अच्छा शगुन नहीं होता। वह मत करो चंदा, सब दिन अच्छे होते हैं। जाओ सामान ले। मैं इसलिए कह रही थी, अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, उस वक्त मेरी देखभाल कौन करेगा? सरकार तो क्या झूला जल्दी मंगवाना होगा, ऐसे मौके पर आपका जाना अच्छा नहीं। क्या करूं साधु, सरकारी काम जो ठहरा, हुक्म अधूली करूं तो सजा भी हो सकती है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। देखो मैं चंदा को तुम्हारे जिम्मे छोड़ के जा रहा हूं। ये भी कुछ कहने की बात है सरकार? देखो साधु, मैं हर हफ्ते खत भेजता रहूंगा और महीने को महीने तुम्हारे नाम मनी ऑर्डर। ना 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 सरकार, इतना भरोसा न कीजिए, पैसा एक ऐसी लानत है कि अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देता है। ऐसा मत कहो साधु, दुनिया का हर काम भरोसे पे चलता है। देखो मेरे पीछे चंदा को कोई तकलीफ ना, अभी जाके टांगा ले आओ, वक्त बहुत थोड़ा रह गया, जल्दी जाओ। जाने का फैसला कर ही लिया है? घबराती क्यों चंदा, सिर्फ 4-6 महीने की तो बात है।
मेरी गैरहाजिरी में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। इससे बड़ा दुख कौन सा हो सकता है? पगली कहीं की। मैं दूर रहकर भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। अरे चंदा, ये बाप से उठाए उठाए मैं कहां फिरूंगा? इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना। आप इसकी चिंता ना करें, मगर जाने से पहले पिताजी को ये खुशखबरी तो सुनाते जाइए। मुन्ने की? मगर मैं उनके घर कैसे जा सकता हूँ? जानती तो उस दिन क्या क्या फसाद हुआ। मगर एक बार जाकर तो देखिए, शायद अपने पोते के आने की खबर सुनकर उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। कौन जाने, इसी बात पर वो सुलह भी कर ले और हमारा मुन्ना इस घर में आँख खोलने की बजाय उस कोठी में आँख खोले। अच्छा ये बताओ, जब मुन्ना आएगा और अपने डैडी को यहाँ ना देखकर रोएगा तब क्या करोगे? मैं क्या जानू? मैं बताऊं, जब मुन्ना आएगा अपने डैडी को पूछेगा कि डैडी कहाँ है तो बताऊं? उसे ये गाकर सुनाना। दिल्ली से रेल गाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी, मुन्ने के डैडी जी को लाएगी। अच्छा, दिल्ली से रेल गाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी, मुन्ने के डैडी जी को लाएगी। चलिए। एक लड़की से मुझे प्रीत है, मेरे जीवन की वो मीत है, ना हंसती है ना रोती है, ना जागती है ना सोती है, ना खाती है ना पीती है, अब सोचो वो कैसे जीती है। आहा, उस लड़की का है नाम कला। कला? हार्ट, हाय, उस लड़की का है नाम कला। मुझे उसने पुकारा, लो मैं चला, उस लड़की का है नाम कला। ला ला ला, ट्रा रा ला ला ला, ओ कला, ओ कला मैं तेरा दीवाना, सारी दुनिया से बेगाना। ओ कला मैं तेरा दीवाना, सारी दुनिया से बेगाना। आर्ट इज माय लाइफ, आर्ट इज माय वाइफ, यू शमा आई परवाना। हो तेरी आग में हंस हंस के मैं जला, ओए मैं जला, उस लड़की का है नाम कला। मुझे उसने पुकारा, लो मैं जला, उस लड़की का है नाम कला। धर्म पति और डांस के फन का जती सती, मैं कलावती का धर्म पति और डांस के फन का जती सती। इस शौक में देकर दीवाला खोली है मैंने नृत्यशाला। और मेरे हाथ से है दुनिया का भला, उस लड़की का है नाम कला। मुझे उसने पुकारा, लो मैं चला, उस लड़की का है नाम कला। पापा गा करेगा पापा गा, सा 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 धीम टक 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 यूं टक 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 टक। अगर पन नहीं ये का थैया, सच
पूछे अगर कोई भैया आसान नहीं ये तातैया जितने भी बड़े उस्ताद हुए घर उनके सदा बर्बाद हुए ओ जूते से अलग रहा उनका तला उस लड़की का है नाम चला मुझे उसने पुकारा लो मैं चला उस लड़की का है नाम कला मुझे उसने पुकारा लो जी हाँ कलावती के पिता ने ही ये आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी क्या कि आप उनकी लड़की को बहका कर यहाँ ले आए हैं लेकिन जिस कला का मैं जिक्र कर रहा था उसका मतलब है आर्ट प्रोफेसर रसिया रसिया नहीं पूरा नाम लीजिए प्रोफेसर रसिया रसालपुरी लेकिन रसिया साहब आपके खिलाफ हमारे पास बहुत सी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि आप इस आर्ट के बहाने अच्छे खानदान की लड़कियों को बहका कर उनके माँ बाप से अलग कर उन्हें गलत रास्ते पर डाल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब रास्ता गलत हो या सही रास्ता आखिर रास्ता है मैं एक आर्टिस्ट हूँ भगवान ने मुझे इस दुनिया में आर्ट का पैगाम देकर भेजा है आर्टिस्ट साहब मेरे ऑफिसर ने आपके खिलाफ मुझे वारंट देकर भेजा किधर है यह है डाल दो हाथ कड़ी धोने वाले हाथ पे आ भाई इंस्पेक्टर साहब याद रखिए आप कला को हथकड़ी पहना रहे हैं ठीक है चलिए आइए ठहरिए मेरी प्यारी शागिर्दों अर्थात शिष्याओं गुरुदेव कुछ प्राइवेट है क्या मगर वो तो हो ही नहीं सकता ये साथ में फंसा हुआ है ना भाई खैर छोड़ो देखो रसीली मेरे जाने के बाद तुम कला को जिंदा रखना ये जिंदगी उसी की है जो आर्ट में खो गया कभी बाहर आ गया तो कभी अंदर हो गया चलिए तशरीफ ले चलिए गुरुदेव सरकारी मामला है खाने पीने का इंतजाम अच्छा हुआ तो मुमकिन है वही क्लास खोल लूं लेकिन बेफिक्र रहो मैं तुम सबको बुला लूंगा अगर क्लास खोली तो चलिए बिटिया ये बाप की जड़ अपना रुपया संभालो सिर्फ मनिया डराया है कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई चिट्ठी हाँ चिट्ठी भी आई है चिट्ठी भी आई मैं अभी पढ़कर सुनाता हूँ बिटिया आंखें तो हैं ही नहीं आंखें तब ओ ये रही ए बिटिया भगवान ने आंखें बनाई और डॉक्टर ने चश्मा बनाया लो अब पढ़कर सुनाता हूँ बिटिया मुझे पढ़ते हुए शर्म आती है शर्म किस बात की बाबा पढ़ो ना पढ़ो तो सही लो तो जैसा लिखा है वैसा पढ़ देता हूँ हाँ चंदा से प्यारी मेरी चंदा जब से यहाँ आया हूँ दिल बहुत उदास रहता है क्यों न रहे बिटिया वहाँ कहाँ बैठी है जो घर की पकी पकाई खिलाती आगे लिखा है घर पर रहूं या काम पर जाऊं तुम्हारी याद हर वक्त मेरे साथ रहती है दफ्तर की फाइल खोलता हूँ तो उसमें तुम्हारी सूरत नजर आती है वही मांग में सिंदूर वही चांद जैसी हंसी बस दिन है कि तुम्हारी याद में गुजर रहे हैं चंदा मेरा ख्याल है मुन्ने के आने तक मैं भी तुम्हारे पास होऊंगा और वो लोरी मैं खुद गाकर सुनाऊंगा अपनी सेहत का ख्याल रखना किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो साधु से कह देना और साधु से ऐसा बर्ताव करना जैसा कि घर के बुजुर्गों से रखते हैं चुप क्यों है बाबा इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी में उन्होंने अपनी बात तो कोई नहीं लिखी वहां का खाना कैसा है रहने का घर अच्छा है या नहीं हर रोज उनका पांव कौन दबाता होगा ये तो लिखना चाहिए तू भी कितनी भोली है बिटिया अरे ये भी कोई लिखने की बात होती है एक बात है अगर लिफाफा जरा और बड़ा होता तो शायरी छोटे सरकार ज्यादा करते बाबा एक काम करोगे बोल आज ही जवाब दे दो जी छत्री लोग तो अपने वचन के लिए मरमिटा करते थे जी पर आजकल न जाने क्या बीमारी फैल गई दुनिया में कुछ समझ में नहीं आता बात क्या ऐसी थी अरे तेरे खसम करो ना रो रहा हूँ मैंने साधु को रतन के घर में इसलिए नौकर रखा था कि वो रतन और रत्ना को एक दूसरे से अलग कर दे
पर वो तो उल्टा एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है। मूर्ख जो ठहरा सेठ जी, अगर इतनी अकल होती तो अपने बाल बच्चे ना पालता। लेकिन इतना याद रख कि वो मुझसे दुश्मनी मोल लेकर चैन की नींद नहीं सो सकेगा। अरे उसे छोड़िए सेठ जी, मुझे हुक्म कीजिए, आपका काम तो मैं ये छुटकी में कर दूं। पहले रत्ना को घर से निकाल दूं और फिर रतन को आपके घर ला दूं, यही है ना? माँ, साधु जितना मूर्ख है तू उतनी ही सयानी है। सेठ जी बस आप ही मुझे समझते हैं। देख रतन आजकल मिलिट्री में है, वो हर महीने तेरे मूर्ख पति के नाम एक मनी ऑर्डर भेजता है रत्ना के लिए। अच्छा? तो मैं ये चाहता हूँ कि तू कोई ऐसी तरकीब कर कि अगले महीने से वो मनी ऑर्डर रत्ना के हाथ में न जाए। बस इतनी सी बात सेठ जी, इसकी तो आप चिंता ही मत कीजिए, अगले महीने से मनी ऑर्डर मेरे ही हाथ आएगा। सच? अरे झूठ बोलूं तो मेरी जबान जले। सेठ जी आज हाथ में बहुत ही खुजली हो रही है। वो तो होगी, मनी ऑर्डर जो आने वाला है। हाँ, पर वो तो अगले महीने आ रहा है ना, देखिए। तू तो खुजाए चली जा रही है। हाँ, क्या करूं, इधर भी और इधर भी। ये बस मतलब सेठ जी बात ये है, चिट्ठी नहीं खत नहीं लेकिन मनी ऑर्डर भेजने में क्या तकलीफ थी? बहन पैसा इतनी जरूरी नहीं, सिर्फ उनकी खैरियत का पता चलता रहे यही मेरे लिए बहुत है। अरे छोड़ो ना बहन, तुम क्या जानो इन अमीरों के चोचले, आज कुछ और कल कुछ। अरे कहने को और फिर यही देखो, हमारे साधु जी है ना, कहीं भगवान ने चार पैसे दिए होते तो आज मैं 6 बच्चों की मां ना होती। और फिर सच कहूं बहन, हम तुम जैसी औरतें इस दुनिया में किस गिनती में है। अगर रतन बाबू कहीं अमीर घराने में शादी करते तो रोज खत क्या तार भेजते, और फिर वो तुम्हारे साथ रहे ही कई दिन है। अब तुम ही सोचो, जुम्मा जुम्मा 8 दिन में कभी प्यार हुआ है? अगर उनके खत का इंतजार करती रहोगी तो बाल सफेद हो जाएंगे। और फिर मैं तो ये कहूँ बहन कि जिस तरह भी हो अपना घर अपने आप चलाने की फिक्र करो। ये भाई तो ऐसे सो रहा है जैसे स्लीपिंग पिल्स खा रखी है। और क्यों ना सोए, दिन भर मेहनत जो करता है, नींद इसको नहीं तो क्या मेरे बाप को आएगी? मैं तो समझता था कि सिर्फ गाना बजाना ही एक आर्ट है, लेकिन आज पता चला कि दिन भर मेहनत करने के बाद सोना भी किसी फाइन आर्ट से कम नहीं है। इस सोने वाले ने मेरी आंखें खोल दी, आज से आप मेरे गुरुदेव। गुरुदेव आइए। कहाँ चलोगे? गुरु चेले से पूछ रहा है, गुरुदेव आप ही मुझे रास्ता बताइए। आप कहीं से पीकर तो तशरीफ नहीं लाए? नहीं गुरुदेव, मैं तो वहाँ से आया हूँ जहाँ लोग पीने के बाद जाते हैं। गुरुदेव मैंने जिंदगी में हर होशियारी सीखी लेकिन अभी तक बिल्कुल अनाड़ी हूँ। आप इतना बताइए कि हाथ पांव हिलाकर रोजी कमाने का आर्ट क्या है? तो आप क्या रिक्शा चलाना सीखना चाहते हैं? हाँ गुरुदेव। लेकिन क्या आपका शरीर इतना बोझ उठा सकेगा? गुरुदेव मैं झूठे शो पर बिलीव नहीं करता, अंदर से बहुत मजबूत हूँ। हाँ। सोच लीजिए, इस काम में मेहनत ज्यादा है और पैसे कम। गुरुदेव मैंने मेहनत कम और पैसा ज्यादा कमा कर भी देखा है, आप सिखाइए ना। अच्छी बात है, तो पहला सबक ये है कि तुम यहाँ बैठ के चलाओ और मैं पीछे बैठता हूँ। अच्छी बात, बैठिए। बोलेगी या तो वहीं पर गश खा के मर जाएगी, और अगर बच भी गई तो या तो गले में रस्सी डाल लेगी या किसी कुएं में कूद कर जान दे देगी। ये लो बड़ाऊ, पता तो लिख दिया, श्रीमती रत्ना देवी 14 राजघाट बनारस। बिल्कुल साफ साफ लिखा है ना? अरे हम तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं। तो मैं कब कह रहा हूँ साहेब। बनारसी जी ये ले। क्या करूं, 4 महीने से ना कोई उनका खत आया है ना पैसे ही। घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर मैं अपने दिन काट रही हूँ। आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, पैसे आते ही मैं सारा किराया दे दूंगी। लेकिन यहाँ किराया मांगता कौन है, मुझे तो ये घर खाली करवाना है। आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका घर छोड़ दूंगी। मैंने रतन से पहले ही कह दिया था कि मकान सिर्फ 6 महीने के लिए है, बाद में खाली करना होगा। यहाँ रत्ना कौन है? मैं ही। ये आपका पार्सल है, सुनिए रसीद पर दस्तखत कर दीजिए।
मुझे लिखना नहीं आता। फिर यहाँ अंगूठे का निशान लगा दीजिए, बायां हाथ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ यहाँ लगाइए, लगाइए वही। मेरे ख्याल से इसमें जरूर रुपए होंगे, मैं अभी आपके रुपए देती हूँ। बेवकूफों के सर पर सींग नहीं होते, नादान छोकरी, पार्सल में भी कोई रुपया भेजता है? फौज की वर्दी जरूर आई है। जब वर्दी भेजी है तो फिर वो आते ही होंगे। ये बात नहीं, फौज से वर्दी उस आदमी की आती है जो लड़ाई या किसी हादसे में मारा गया हो। इंसाफ वाला जो भगवान होता तो काहे गरीबों का चालान होता। इंसाफ वाला जो भगवान होता तो काहे गरीबों का चालान होता, काहे गरीबों का चालान होता। सदा नंबर हमारे, बारिश में टपके तो थप्पड़ हमारे। होते हैं नोट सदा नंबर हमारे, बारिश में टपके तो थप्पड़ हमारे। पत्थर के तकिए घास के बिछौने, पत्थर के तकिए घास के बिछौने। दुनिया के हाथों में हम हैं खिलौने, अगर तू सभी का निगहबान होता तो शिकवा ना तुझसे मेरी जान होता, शिकवा ना तुझसे मेरी जान होता। इंसाफ वाला जो भगवान होता तो सारे गरीबों का चालान होता। धर्मी या काफिर नहीं हूँ मैं, यूनियन का भी लीडर नहीं हूँ। कोई अधर्मी या काफिर नहीं हूँ मैं, यूनियन का भी लीडर नहीं हूँ। किसको पुकारे किस्मत के हेते, किसको पुकारे किस्मत के हेते। अब्बा हमारा तू हम तेरे बेटे, अगर एक
एक साथ तेरा फरमान होता ना बकरा गरीबों का कुर्बान होता, बकरा गरीबों का कुर्बान होता, इंसाफ वाला जो भगवान होता तुम्हारे गरीबों का चालान होता। दुनिया गुलाबी रजिया रामो जल्दी आओ, एक लड़की भी है। घबराओ नहीं, कुछ ही देर में ठीक हो जाओगे। तुम्हारा नाम क्या है? खानदान का सत्यानाश हो गया। क्या बोला? हाँ सर जी, रतन बाबू मिलिट्री से वापस आ गए, आपका लड़का आ गया। अबे लड़के के आने से घर आबाद होता है या सत्यानाश होता है? बोला सर जी, आपका नहीं मेरा सत्यानाश हो गया। अब रतन बाबू पूछेंगे ये चिंता कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप ये बताइए क्या जवाब दूंगा? घर में ताला बंद है, चिंता का पता नहीं है, रतन बाबू मुझे कच्चा चबा जाएंगे सर जी। अबे काहे को गला फाड़ रहा है, जरा आहिस्ता बोल। आहिस्ता कैसे बोलूं सेठ जी, कैसे बोलूं? आप ही बताइए, लोगों की जबान डर से बंद हो जाती है और मेरी तेज हो जाती है। अब रतन बाबू मुझे नमक हराम, द्रोही, पापी, शैतान, बदमाश, न जाने क्या क्या कहेंगे। बोल बोल बोल, अभी डिक्शनरी में दो चार लफ्ज और बाकी हैं, उन्हें भी बोल डाल। शिवशंकर सेठ जी, मैं तो डर के मारे कांप रहा हूं। कांप कांप इतना कांप के निमोनिया हो जाए। निमोनिया है नहीं सेठ जी, मेरे बाल बच्चों का ख्याल कीजिए। अबे तनख्वाह तू बाप से लेता है और डरता बेटे से? तो घबरानी साधु, मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरी जबान पर तो विश्वास रखिए। हाँ सेठ जी, आपकी जबान पर विश्वास करने की वजह से ही तो आज यह दिन देख रहा हूँ। अबे इतना न कांप के भूकंप आ जाए। जा, वो सर्दियों में भैंस के लिए जो कंबल आया था ना, उसे ओढ़ ले। आहा, कितना सुंदर बच्चा है, जरा उठा लूं इसको। तुम बच्चे को मत उठाओ। क्यों? बच्चा उठाने की आदत है तुम्हें? तो नहीं मगर हो जाएगी। अच्छा तुम बहन, आप लोग कौन हैं? अरे तुम हमें नहीं पहचानती? हमारे घर के पास ही तो तुम बेहोश होकर गिरी थी, अस्पताल में भी हम ही लाए थे। यहाँ क्यों ले आए मुझे? रास्ते पर ही मर जाने दिया होता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हारा कोई साथी संबंधी नहीं है? अगर कोई होता तो आज मैं सड़क पर न होती। इस दुनिया में कोई नहीं। सुनो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। दुखों से घबराकर आशा नहीं छोड़ देनी चाहिए। आशा ही तो वो झरना है जिससे जीवन की धारा फूट निकलती है। लेकिन यहाँ जीवन किसे चाहिए? जिस पर भी भरोसा किया वही गैर निकला। बेचारी तो बहुत दुखी नजर आती है। सुनो, हमें सब कुछ बता दो। बताओ तुम्हारी क्या कहानी है? अरे कहानी वहानी बाद में सुनो, पहले बाहर चलो। तू ये खामखा टोक देती है। मैंने कहा बाहर चलो, चलो। अच्छा हम अभी आते हैं, हैं? तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। और नहीं तो क्या, जानते नहीं ऐसे समय में औरत को कितनी तकलीफ होती है, और तुम हो के ऊपर से उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे। लेकिन पूछना तो चाहिए लड़की कौन है। कह जो रही थी कि भरी दुनिया में उसका कोई नहीं है। अच्छी बात है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? चलो घर। वाह वाह, उसको यहाँ तड़पता छोड़कर घर चले। तो फिर क्या करें? करना क्या है, उसे अपने साथ घर ले चलते हैं। जो रूखी सूखी हम खाते हैं वो भी खा लिया करेगी। सच गुलाबो, कहने वाला मैं भी यही था, मगर तेरे डर के मारे कहते हुए डरता था। जानती हूँ, दिल के बुरे नहीं हूँ। दिल के तो भी बुरी नहीं है। बहन कहाँ जा रही हो? सुनो, तुम हमारे साथ चलो हमारे घर। जी, इसमें सोचने की क्या बात है, तुम्हारी सारी चीजें मैंने संभाल के रखी है। चलो। चंदा, 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 चल। क्यों भाई, यहाँ कौन रहता है? जी नहीं सरकार, यहाँ कोई नहीं रहता। मकान मालिक ने सफेदी के लिए हमें यहाँ भेजा है। ओह,
शायद पिताजी ने उसे बुला लिया होगा। फिर से फिर बेटा। पिताजी चंदा कहाँ है? आप उसे घर ले गए, आपने उसे माफ कर दिया, मुझे मुझे खत तो लिख दिया होता। पिताजी मुन्ना कैसे है? आप लोग खामोश क्यों हैं? साधु साधु बोलते क्यों नहीं? चंदा कहाँ है? तू चुप रह साधु, तू चुप रह। बेटा लड़का कितनी भी गलती क्यों न करे, पर बाप के दिल में बेटे के लिए हमेशा प्यार होता है। चंदा मेरी बहू थी, मैं उसे घर ले गया बेटा, ये जानकर कि वो बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। मैंने उसके इलाज के लिए शहर के सभी मशहूर डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन चंदा ने हमें धोखा दे दिया बेटा। वह हमें रोता कलपता छोड़कर इस संसार से चल गई। चंदा दिल्ली से रेलगाड़ी छुप छुप आएगी, छुप छुप आएगी, मुन्नी के डैडी जी को लाएगी। दिल्ली से रेलगाड़ी छुप छुप आएगी, छुप छुप आएगी, मुन्नी के डैडी जी को लाएगी। देखेगा डैडी चांद का टुकड़ा, प्यार से चूमेगा मुन्ने का मुखड़ा। देखेगा डैडी चांद का टुकड़ा, प्यार से चूमेगा मुन्ने का मुखड़ा। भूलूंगी उस दिन मैं सब दुखड़ा, दिल्ली से रेलगाड़ी छुप छुप आएगी, छुप छुप आएगी, मुन्नी के डैडी जी को लाएगी। दिल्ली से रेलगाड़ी छुप छुप आएगी, छुप छुप आएगी, मुन्नी के डैडी जी को लाएगी। ठुकराने से पहले दिल्ली से रेलगाड़ी छु
छुप छुप आएगी, छुप छुप आएगी, दिल्ली के डैडी जी को लाएगी, दिल्ली से रेलगाड़ी छुप छुप। मगर आज तक दो पैसे का चूरन भी नहीं खाया मैंने, कहीं ऐसा न हो कि ये पड़े पड़े मेरी दौलत का पानी कर दे। इनके शरीर में कोई रोग नहीं है। तो जरूर दिमाग में होगा। मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, एक दो रोज में आराम। साहब बड़ी मेहरबानी होगी, बैठे बिठाए की मुसीबत आ गई है मेरे सर, ये दो एक दिन में अच्छे हो जाएंगे ना? पॉजिटिवली। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। बनारसी जी मालिक। ये डॉक्टर साहब अपना बकस ही नहीं भूल गए जी, ले जाए बीमारी की पोटली उन्हें दिया। बहुत अच्छा मालिक। पिताजी। बेटा, चंदा के पास रामू का दिया हुआ बक्स था, वो कहाँ रखा है? बेटा मैंने 4 लाख की बहू खो दी तो बक्स का किसे ख्याल रहता, न जाने उस बक्स में अलादीन का चिराग है कि क्या है, दिन रात तू उसी चिंता में रहता है। ए, बेटी नलनी, तूने वो बक्स देखा कहीं? वो बक्स? हाँ, वो बक्स तो रामू आकर ले गया था। रामू ले गया? हाँ। बेटा अच्छा ही हुआ, बला टल गई। बेटी मैं जरा दवाई लेकर आता हूँ, तू बैठी। नलनी, क्या क्या रामू सचमुच यहाँ आया था? हाँ। और वो बक्स तुमने उसे दे दिया ना? सच तो कह रही हूँ, रत्ना बहन मरते समय वो बक्स रामू के लिए मुझे सौंप गई थी। उसके मरने के 2 रोज बाद रामू यहाँ आया तो मैंने उसकी अमानत उसके हवाले कर दी। चंदा मरते समय भी अपने फर्ज को नहीं भूली। लेकिन बहन की तरह मैंने जो उसे वचन दिया था, मैं भी तो उसे नहीं भूली। चलो अच्छा हुआ, मेरे दिल से बोझ तो उतर गया। नलिनी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या एक आंख दूसरे आंख का एहसान माना करती है? मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। लीजिए, जूस पी लीजिए, लीजिए ना। वाह, क्या दिवाली की जगमग कर रखी है, जगमग जगमग चारों तरफ है। वो उधर वाले ये भी दो ही जला है, वो उस तरफ वाले, उस तरफ वाले, वो उधर ऊपर वाले देखो ना, वो क्या हुआ? जानते नहीं घर में छोटा बच्चा डर जाता तो? डर खुद भी है, बच्चे का नाम ले रही हो, बड़ी बहादुर माँ का बच्चा, ऐसे वैसे नहीं रहता वो। बच्चू 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 बच्चू, वो मेरे राजा, वो मेरे बच्चे, आजा मेरे पास, आजा आजा। हाँ नहीं आएगा, अच्छी बात है, तो मैं तुझे अपनी रिक्शा पे भी नहीं बिठाऊंगा। हाँ क्या कहा, तुझे मेरी रिक्शा पसंद नहीं है? तुझे मोटर चाहिए, बंगला चाहिए? देख मेरे राजा, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, इंसान को सबर चाहिए, सबर 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 सबर, समझे? देख देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख कितनी अच्छी घोड़ा गाड़ी लाया हूँ। अच्छा तो दिवाली के दिन भी मुन्ना के लिए घोड़ा गाड़ी लाए? अरे मोटर लाते, हवाई जहाज लाते। गुलाबू, छोटी उम्र में बच्चों की आदतें खराब नहीं किया करते, बड़ा होकर गाड़ी का मालिक नहीं बनेगा, कोचवान तो बन ही जाए। हाँ वैसे तू ठीक कहती है, कभी कभी झोंपड़ों में पैदा होकर भी बच्चे कुछ का कुछ बन जाते हैं, बन जाते हैं ना, क्या मालूम जब ये बच्चा बड़ा हो तो इसमें ईसा मसीह का नूर, बुद्ध भगवान का तेज और गांधी जी की रोशनी हो। कभी कभी तुम भी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो। वाह, तुम छोटा आदमी हो इसलिए बातें भी छोटी करो। चंदा कहाँ? अंदर है, सुबह से रो रही है बेचारी। रो रही है? चंदा बहन आ भैया। ये क्या, दिवाली के दिन लोग घरों के दरवाजों पे दिए जलाते हैं, आंखों की पलकों में तो नहीं? ये देखो मैं छोटे के लिए दूध का डिब्बा लाया हूँ, गुलाब के डिब्बा। भैया इतनी तकलीफ तो मेरे लिए क्यों करते हो? डिब्बों का दूध पीने वाले बच्चे और ही होते हैं। तुम कैसी बातें करती हो चंदा बहन, भगवान पे भरोसा रखो, जो डाली को फूल दे सकता है वो क्या डाली को पानी देना भूल जाएगा? भगवान है या नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारे सहारे जी रही हूँ। चंदा बहन, इस दुनिया में कौन है जो दुखिया नहीं है? तुम समझती मैं तुम पर कोई एहसान करा? बल्कि सच तो यह है कि जब से तुम और मुन्ना इस घर में आए, मैं अपने दुख भूल गया।
इसी दिन मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। आंसुओं से शुरू होती है और आंसुओं पे खत्म होती है। त्योहार के दिन अच्छी बात करते हैं। पहले से बेचारी का रो रो के बुरा हाल है, तुम उसे अपना दुखड़ा सुनाकर और परेशान करोगे। जानते हो सुबह से इसने कुछ खाया पिया भी नहीं। खाया पिया भी नहीं? चंदा बहन ये क्या जुल्म है? चलो चलो खाना खाओ। नहीं 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 कुछ नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। चलो खाना खाओ, दिवाली के दिन भूखी रहोगी, बचकनी नहीं होगी। चलो चलो चलो। सुना, सुन लिया आपने? मरने वाले की याद कर रहा है, लेकिन जो जिंदा बैठा हुआ उसकी कोई परवाह नहीं। बेटा, बीबी और कपड़े में कोई फर्क नहीं होता है, मैला होते ही उसे तुरंत बदल देना चाहिए। पिताजी, मर्द बीवी के बारे में ये कह सकता है? माँ और बहन भी तो औरत है। देखिए आपने, बेटा बाप से बहस कर रहा है। दयाशंकर भाई, खफा ना हो, खफा ना हो, अभी बच्चा है, दुनिया की ऊंच नीच नहीं समझता। रतन बेटा, संतान का सबसे बड़ा फर्ज है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बाप तुम्हारी चिंता में कितना घुल रहा है। नहीं वकील साहब, मैं इसका बाप नहीं हूँ। आप मुझे गली के नुक्कड़ पर खड़े करके 5 बेत मार लीजिए, मगर मुझे इसका बाप न कहिए। मुझे गलत मत समझे पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी चंदा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, और जब इस दुनिया से मेरी अर्थी उठेगी, तो मेरे सिरहाने चंवर कौन डुलाएगा? सारी दुनिया यही कहेगी कि मैं इस दुनिया से नामुराद जा रहा हूं। इन बातों की कोई जरूरत नहीं। तो क्या तू ये चाहता है कि मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिले, मेरे खानदान का कोई नाम लेवा ना हो? बोलता क्यों नहीं? मैं ये कुछ नहीं जानता पिताजी, आपके जो जी में आ कीजिए। चंदा, गुलाबी आ गई? नहीं भैया। सारा मेरा छोटा, ओ मेरे छोटे, ओ मेरे छोटे, ओ मेरे छोटे, तू सारा को सो रहा था तू? हाँ, क्यों सो रहा था? चंदा, क्या बात, जब भी मैं तुझे देखता हूँ तू उदास और खोई खुशी नजर आती। आखिर तेरे दिल में क्या दुख है, तू बता कि जी हल्का क्यों नहीं कर लेती? मुझसे जितना हो सकेगा मैं तेरी मदद करूंगा। भैया, मुझे भला किस चीज की जरूरत हो सकती है? मुझे जो कुछ चाहिए था वो तो तुम दोनों ने मुझे दे रखा है। तुम यहाँ बैठो, मुझे रसोई में बहुत काम है। अच्छा बाबा, नहीं बताती ना बता, तेरी मर्जी। तू भी तो नहीं खेलता ना मुझसे? न खेल, क्यों खेलेगा तू? मैं तेरा लगता क्या हूँ? अरे नहीं लगते तो कोई रिश्ता बना लो ना। तेरा भला हो जाए, आ गई तू? अरे कहाँ थी तू अब तक? अच्छा, तो सब कुछ भूल ही गए, मुझे कपड़े वाले की दुकान पे बिठाए रखा और खुद मुन्ने के साथ खेल रहे हो। आज साड़ी लेकर देने का वादा किया था ना। अरे मैं बिल्कुल भूल गया, तुम्हारी कसम बिल्कुल भूल गया। वो पास वाले मोहल्ले में एक सवारी को छोड़ने के लिए जा रहा था, उसको छोड़ा वहाँ पे, तो मैं सोचा जरा छोटे से खेल लूं, भूल गया। लेकिन कौन कहता है छोटे के साथ ना खेलो, मगर मुझे धोखा देने की क्या जरूरत है? इसमें धोखे की क्या बात है, साड़ी आज नहीं, आज कल ले आओ, कल जरूर ले आओ। कल की भी क्या जरूरत है, पहले मुन्ने के लिए दूध का डिब्बा, गुड़िया, पाउडर, कमीज, ये वो ये सब लाना है ना। बेचारी माँ तो ला कर दे नहीं सकती, तुम साथ में दोगे तो और कौन? गुलाबी, आज तुम्हें क्या हो गया? इस किस्म की तीखी तीखी बातें करने से क्या मतलब? तो क्या निराश होकर आदमी मीठी मीठी बातें करता है? लो, आज की कमाई कितनी हुई? आज मंदा रहा, ये दस आने हुए। दस आने? मस्करी करते हो क्या? कौन पाजी मस्करी करता है? अरे तुम अकेले होते तो ये 8 आने भी काफी थे, मगर तुम हो, ये मुन्ना है, वो मुन्ने की माँ है, वो दूध वाला है, वो बनिया है, दस आने में क्या क्या करोगे? तो कमाई होना ना होना मेरे हाथ में है, किसी दिन जास्ती हो गई, किसी दिन कम हो गई। गर्मी तो देखो कितनी पड़ रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो मैं क्या करूं? ये क्यों नहीं कहते कि तबीयत सुस्त पड़ गई है? आहा, नवाबों की तरह 5 बजे घर आ जाया करोगे तो रुपया क्या आसमान से बरसेगा? ये लो, मुझे तुम्हारी कमाई की जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा अपना खाया और अपना पिया है। भगवान की दया से दुकान भी अच्छी चल रही है, शादी ब्याह के दिनों में 4 पैसे और भी मिल जाते हैं। तुम्हें हाथ पे हाथ धरे बैठना है तो बैठे रहो। देख गुलाबी, ज्यादा सुनने की अपने को भी आदत नहीं है। ये रहे तेरे पैसे और ये रहा तेरा रिक्शा का बिल्ला। तू समझती है तेरे झोंपड़े के सिवा मेरे लिए कुछ जगह ही नहीं लगी? सुनो 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 सुनो, कहाँ जाते हो? तुझे क्या? मैंने घर का खर्चा बताया, गाली तो नहीं दी? गाली तो नहीं दी। बड़ा आया बिल्ले फेंकने वाला, बिल्ले फेंकने वाला। चल चल अंदर चल। मैं नहीं जाता। अरे चल, तुझे हरी चाय पिला। दयाशंकर, ये क्या ठोंग रचा रखा है? देख तो ये सेवा, ये शादी हरगिज़ नहीं होगी। क्या कह रहे हैं वकील साहब? ठीक ही कह रहा हूँ,
दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं झोंक सकते। रत्ना अभी जिंदा है, पहली बहू के होते हुए तुम दूसरे को घर में लाना चाहते हो? वकील साहब जरा आहिस्ता बोलिए, रतन बाबू ऊपर के कमरे में है। लेकिन वकील साहब आपने रत्ना को देखा कहाँ? कहीं भी देखा हो, अरे उसके साथ उसके मामा को भी हमने देखा है। बेटी चलो उठो, अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है वकील साहब, सामान बंधवाऊं? साधु। वकील साहब आप क्या कर रहे हैं? इधर मैं शादी की तैयारी कर बैठा हूँ और आप नलनी को लिए जा रहे हैं? जरा सोचिए, अगर बात बाहर चली गई तो मेरी तो इज्जत खात्मे मिल जाएगी। लेकिन मेरी बेटी की शादी होने के बाद अगर किसी दिन भी रत्ना यहाँ आ गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? ऐसा ना सोचिए वकील साहब, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। करोगे? जी हाँ। करोगे? जो कहें। तो सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम लिख दो। वकील साहब आप तो लालच पर उतर आए। सत्यवचन वकील साहब बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो आपसे पूछता हूँ कि आपका सामान बांध दूं। साधु तू बाहर जा, मैं कहता हूँ बाहर जा। अच्छा सेठ जी। वकील साहब मैं आपसे मैं कुछ नहीं जानता, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो इस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दो, नहीं तो शादी हरगिज नहीं होगी। वकील साहब वक्त ऐसा नाजुक है कि अपनी जायदाद तो क्या मैं अपनी सारी जिंदगी नलनी के नाम लिखने को तैयार हूँ। हाँ तो करो दस्तखत। ओ रिक्शा वाली, राजघाट चलोगे? आ बैठो। अरे प्रोफेसर तुम जेल यात्रा से कब लौटे? चलो मेरे साथ चलो। चलो। पहले मैं आर्ट के नशे में अंधा था, अब मेहनत के नशे में लंगड़ा हो रहा हूँ। तू मुझे वापस मत ले चलो। अच्छा तो इतनी जल्दी मुझे भूल गए? मेरी जान तुम भी कोई अरिथमेटिक का सवाल हो जिसे इतनी जल्दी भूल जाऊं? बात असल ये है कि आजकल जरा मौसम खराब है, थोड़ी हवा तब्दील कर लूं, उसके बाद मैं और तुम और मैं, यू एंड आई, आई एंड यू। देखो प्रोफेसर मुझे टालने की कोशिश मत करो, अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथ है। झूठी कहेंगी, मेरे हाथ तो खाली है दोनों। गुरुदेव ज्यादा थी ये लड़की ना? ये लड़की मेरी पुरानी स्टूडेंट है रसीली, गुरुदेव। नमस्ते मेरे गुरुदेव के गुरुदेव। शर्म तो आती है लेकिन आपको बता देती हूँ, मैं और ये और मैं। समझ गए गुरुदेव। रामा। ओ गुलाबू। अरे यहाँ रसिया के पास खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ सिर्फ रसिया ही नहीं है, रसीली भी है, मैं दोनों की कहानी सुन रहा था। हमेशा दूसरों की कहानी सुनते हो, कभी अपनी भी कहानी सुना करो। चलो। अच्छा भाई चलो चलो। अच्छा रसिया मैं बाकी कहानी बाद में सुनूंगा। अच्छी बात है, तुम भी कोई कहानी सुनाओ ना। तो फंसो ना। जरूर नादान या बेईमान बलवान, कजरा न
घर में है? वो तो बाहर गई है, अभी तक तो नहीं आई। क्यों, क्या बात है मौसी? क्या बताऊं चंदा, बड़ी अनोखी है ये गुलाबी। लो बैठो। एक सेठ के घर में शादी, 3 रुपया रोज मिला करेंगे। 3 रुपए रोज? हाँ री, मान भी गई थी और अब कहीं उसका पता ही नहीं। मुझे ले चलो मौसी। ना ना, गुलाबी बहन की तरह तेरी देखभाल करती, कहीं उसे पता चला मैं तुझे काम पर ले गई तो वो मेरी जान खा जाएगी। वो कुछ नहीं कहेगी। मैं इसलिए बेकार बैठी रहती हूँ कि मुझे कोई काम काज नहीं। तुम्हें बताओ मौसी, मैं कब तक उस पर बोझ बनी रहूंगी? लेकिन तेरी गोद में तो बच्चा है, वहाँ कुएं से पानी लाना होगा, बर्तन मांजने होंगे, तू इतनी दौड़ धूप कर सकेगी? मुझे मेहनत की आदत है मौसी, और मैंने ये काम किए हुए हैं। मुझे ले चलो। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी, चल। जो कि उदासी ले फूल मारा पहन लो बनारसी। विधवा के गले में फूल की माला। अरे ये देख, विधवा होकर बेगानी शादी में दीवानी बनती है। मांग का सिंदूर पोंछ के फूल माला पहनने का शौक हुआ? अरे ये यमुना तट नहीं है जो तुम लोग गोपियों की तरह खड़ी हुई हो। जाकर अपना काम करो, नहीं तो एक एक मिनट के पैसे काटूंगा, समझी? मैंने कहा राधा रानी, ये फूलों का हार पहनकर किस कन्हैया का इंतजार कर रही है? तुम? जी हाँ। तुम अभी जिंदा हो? मैं तो समझा था कि तुम मर चुकी हो। रतन ने मुझसे कहा था। तो क्या वो जिंदा? हाँ, वो जिंदा हो रही है। उनकी शादी? लेकिन मुझे तो फौज से उनके वर्दी का पार्सल आ गया था। रतन नहीं भेजा होगा बेटी, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। बीबी को तो ऐसे बदल देते हैं जैसे लोग पुरानी जूती को बदल देते हैं। अच्छा हुआ बेटी कि तुम जिंदा हो। तुम घबराओ नहीं, दुनिया में अंधेर है, भगवान के घर में नहीं। भगवान? मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। जब मेरे सुहाग का मालिक जिंदा है, फिर मैंने विधवा का रूप क्यों धारण किया? बताइए ना वो कहाँ है, मैं अभी उनके चरण छूकर अपने पाप का प्रायश्चित करती हूँ। बेटी बेटी, जरा ठहरना बेटी। तुम उस आदमी के सामने जाकर क्या करोगी? अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी। पर वो तो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। अगर उसे तुम्हारा ख्याल होता तो तुम्हारे जीते जी वो दूसरा ब्याह रचाता, तुम्हारे पास अपने मरने की झूठी खबर भेजता। बेटी, मेरी बात समझ में आई तुम्हारी? हाय हाय, कितनी भोली हो तुम,
और एक वो है कि कितना चालाक है। एक मासूम लड़की की मांग में सिंदूर भरकर अपना दूसरा जा रचा रहा। क्या दुनिया है बेटी। अगर मैं ये शादी रोक सकता तो अभी जाकर रोक देता, लेकिन बेटी न तो उसने मुझसे पूछकर तुम्हारे साथ शादी की थी, न मुझे आज ही कोई खबर। बेटी अगर लोगों को आज ये मालूम हो जाए कि वो पहली बीबी के जिंदा होते हुए दूसरा ब्याह रचा रहा है, तो पुलिस अभी उसके हाथों में हथकड़ी डालकर जेलखाने भेज देगी, और मैं चाहता हूं कि वो जेलखाने जाए। वो पापी है बेटी, और पापी को उसके पाप की सजा मिलनी चाहिए। बेटी तुम चलो मेरे साथ, हम पहले पुलिस को खबर करेंगे। नहीं नहीं, मैं इस कीमत पर अपना सुख खरीदना नहीं चाहती। मैं उनसे नहीं मिलूंगी, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी, और किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मुझे तो सिर्फ उनकी खुशी चाहिए। बेटी तेरे भोलेपन से उस कमबख्त ने बड़ा फायदा उठाया। अगर तू ऐसी सीधी न होती तो क्या वो दुनिया से ये कहता कि मेरी बीवी मर चुकी। अगर मेरी मौत उन्हें जिंदगी दे सकती है तो उनसे कभी ना कहिएगा कि मैं जिंदा हूं। मैं उनके लिए हमेशा के लिए मर चुकी हूं। हाँ देवी देवी। जानते हो भगवान, स्त्री दुनिया का हर संकट सह सकती है। उसमें पर्वत को उठाने और सागर को पी जाने की शक्ति होती है, लेकिन मुझ पर जो संकट पड़ा है भगवान, उसे कोई स्त्री नहीं सह सकती। भगवान 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 मुझे निर्वाण का संदेश दो। मैं तुम्हारे पास सुहागन बंद कराऊंगी, विधवा बंद कर रही। मैं तुम्हारे पास सुहागन बंद कराऊंगी, विधवा। भगवान भगवान आज मैं तुम्हारे सामने अपनी मांग सिंदूर से भर रही हूँ। वो सिंदूर जो हर सुहागन स्त्री का सिंगार है।
जाओ जाओ, शर्माते क्यों हो? अरे जाओ ना। तुम नहीं जानती नलिनी, इस वक्त मेरे दिल में क्या क्या तूफान उठ रहे हैं। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? नहीं नलिनी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक घोंसले में एक ही पंछियों का जोड़ा रह सकता है, और अगर उनमें से एक उड़ जाए तो उसकी जगह दूसरा नहीं रह सकता। मरे हुए का इतना ख्याल है, लेकिन जो जिंदा है उसकी कोई परवाह नहीं। रत्ना बहन ने मुझसे मरते वक्त कहा था। क्या कहा था? बोलो नलिनी, बोलो। मेरी चंदा ने तुमसे क्या कहा था? आखिरी वक्त तो मुझसे रो रो कर माफी मांग रही थी। कहती थी, नलिनी मैंने तुम्हारे दिल पर डाका डाला है, जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है कि उनके चरणों से बहुत दूर मैं अपने प्राण छोड़ रही हूँ। और हाँ, ये भी कहा था कि जब वो मिलिट्री से लौट आए तो उनसे जरूर कहना कि हमारे मिलापुरी उसकी आत्मा खुश होगी। यही कहा था? क्या ये सच है नलिनी? बिल्कुल सच। रामू का बच, हमारी शादी के कपड़े, चंदा, चंदा जिंदा है, चंदा जिंदा है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आपसे किसने कहा कि वो जिंदा है? बताऊं किसने कहा? तुम्हारे चेहरे के बदलते हुए रंग ने, इस बच्चे ने, इस बक्स ने। कौन जाने बच्चा किसका है? ये चंदा का बच्चा है, ये चंदा की आत्मा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी शादी के कपड़े, ये रामू का बक्स। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? बताओ तुमने मेरी चंदा का क्या हाल किया? कहाँ है वो? बताओ मेरी चंदा कहाँ? पिताजी बताइए मेरी चंदा कहाँ? चंदा? पागल तो नहीं हुआ? तो पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए कि आपने मेरी चंदा के जिंदा होते हुए मेरे हाथ से दूसरी लड़की की मांग में सिंदूर क्यों भरवा दिया? साधु साधु बताओ मेरी चंदा कहाँ है? बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, मैं उसे तेरे हवाले करके गया था। जवाब दे कि वो कहाँ? शेष जी की सौगंध, मुझसे तो सबने यही कहा कि वो मर गई है। मर गई? कमीने कहीं के, मैंने तुझे अपना समझा था, लेकिन तूने घर का भेदी बनकर लिंकर। तो साधु के पीछे क्यों पड़ा है? अगर वो जीती भी है तो अब क्या हो सकता है? पिताजी, चंदा मेरी बीवी है। आप लोगों ने मुझसे धोखा किया। उस सती सावित्री के जीते जी आप लोगों ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, मगर ये शादी गैर कानूनी है। मेरी बीवी नली नहीं, चंदा है। चंदा? बस बस, मैं जानता हूँ कि जवानी में खून गर्म होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो जी में आया कह दिया। अगर मैं तुझे चंदा का असली रूप दिखा दूं तो तू उसका नाम भी जबान पर नहीं लाएगा। क्या किया है मेरी चंदा ने? आप लोगों ने उसकी मासूमियत से नाजायज फायदा उठाया है। पिताजी, से मासूम कहते हो? अगर वो मासूम होती तो अपने पति की दूसरी शादी पर आकर हंगामा न खड़ा कर देती। अगर वो मासूम होती तो तुम्हारे पीछे इधर उधर देखने के बजाय तुम्हारे नाम की पूजा न करती। बेटा, अगर वो मासूम होती तो तुम्हें धोखा देकर अपनी अलग दुनिया न बसाती। ये सब झूठ है, मेरी चंदा ऐसी नहीं हो सकती। नहीं जी, ऐसी कैसे हो सकती? मैं तो सिर्फ बकवास कर रहा हूँ, झक मार रहा हूँ। बेटा रतन, नीच को कोई कितना ही ऊंचा क्यों न उठाए, पर नीच नीच ही रहेगा। जिसे एक बार भी जूठा खाने की आदत पड़ जाए वो घर की शुद्ध थाली को देख ही नहीं सकता। पिताजी, कोई चांद में दाग निकाल सकता है मगर मेरी चंदा में नहीं। ये सब आप लोगों की साजिश है। मैं नहीं जानता था कि एक बाप दौलत के लिए अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। सोच क्या रही है? तेरा जीना किस काम का? इस धरती का बोझ न बन, इस दुनिया से चली जा, चली जा, चली जा। पता लगाओ कि चंदा नाम की कोई लड़की पिछले चंद महीनों में शहर के किसी मैटरनिटी होम में आई थी। अगर आई थी तो वहां से उसके घर का पता लगाओ।
आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका पता चल जाए। शुक्रिया। बेटी तू भी क्या याद करेगी कि तेरा बाप वकील था, दयाशंकर जैसे कंजूस मक्खी चूस से सारी जायदाद तेरे नाम पर लिखवा ली है। डैडी, सिंदूर की जगह में अपनी मांग में क्या है जायदाद भरूंगे? अरे पगली, इस जायदाद को बेचकर हम कैश बनाएंगे। दयाशंकर भिखारी होगा, ना उसके सर पे छत होगी ना जेब में पैसे होंगे, और उसका छोकरा तेरे पांव चूमेगा। ओह, ये बात है डैडी, फिर तो इन दोनों के होश ठिकाने लग जाएंगे। अरे बेटी, आज तक मैंने दूसरों के लिए पूरे 580 मुकदमे जीते हैं, तो क्या अपने घर का केस हार चुका? अच्छा, न मेरे सर पर छत होगी न जेब में पैसे होंगे, समझ लूंगा, तुझसे भी समझ लूंगा। मैं तो मरना चाहती थी, मैं तो मरना चाहती थी, मुझे क्यों बचा लिया, मुझे क्यों बचा? शांत देवी, शांत। भगवान की मूर्ति की तरफ देखो, वो संसार के करोड़ों पीड़ित आदमियों को आशा और शांति का संदेश दे रहे हैं। देवी, आत्महत्या से दुखों का अंत नहीं होता, बल्कि कामनाओं के त्याग से होता है। शांति चाहिए तो कामनाओं का त्याग करो, यही भगवान बुद्ध का संदेश है। मैं सब्जी दुकान पर बेचती हूँ, घर पर नहीं। डैडी, ये कौन है? मेरा ख्याल है कि हम किसी गलत जगह पे आ गए। मैं और गलती खा जाऊं, यही घर है। देखो, रत्ना है अंदर। यहाँ कोई रत्ना वत्ना नहीं है, मेरा घर है। उस रोज तो मैंने उसे यही देखा था, बच्चे से खेल रही थी। अच्छा, तो तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, उसी की। लेकिन उसका नाम तो चंदा है। चंदा? हाँ, देखा डैडी, उसने अपना नाम भी बदल दिया है, चालाक कहीं की। बेटी, नाम बदलने से क्या होता है, कहाँ है वो? अरे उसका पता तो हम खुद ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ बताए बगैर चुपके से घर छोड़ के चली गई। अच्छा, तो वो चली गई। अच्छा हुआ डैडी, बला अपने आप टल गई, चलो हम चले। लेकिन उसका मामा रामू भी तो यहीं रहता था, वो कहाँ है? अच्छा, तो अपना रामू उसका मामा है, तो क्या ये वही रत्ना है? सच कह रहे हो तुम? तू तो ऐसा पूछ रही है जैसे कुछ जानती नहीं। चलो ना डैडी। बनारसी, बनारसी, अबे ओ बनारसी। जी मालिक। एक गिलास पानी लिया। बहुत अच्छा मालिक। मगर नहीं, खैर, पानी ठंडा होता है ना। जी मालिक। जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। अच्छा कर, एक प्याली चाय ले आ। बहुत अच्छा मालिक। अबे तू किधर जा रहा है? चाय को गोली मार। बनारसी। जी मालिक। ये सोफे क्यों उल्टे पड़े? उल्टा नहीं, सीधा है मालिक। अबे तू इन्हें जल्दी से अलमारी में बंद कर, नहीं तो इन्हें भी वकील ले जाएगा। लेकर कहाँ जाऊंगा, अब इन चीजों पर सब पर मेरा हक है। ये चीजें भी यहीं रहेंगी और हम दोनों भी यहीं रहेंगे। बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी से वकील साहब, लेकिन मेहमान बनकर, मालिक बनकर तुम रहोगे और मैं मालिक बनकर रहूंगा। होया है वकीलों के पास, कराया उनसे मशवरा, दे दिया उन्होंने टकासा जवाब, अब किस मुंह से यहाँ आए हो दयाशंकर? छोड़िए डैडी, ये मुंह और मसूर की दाल, शर्म होती इसे तो चिल्लू भर पानी में डूब मरता। बेटी नल्ली, मैं डूब कर भी मरने वाला नहीं हूँ, मेरी हड्डियां लकड़ी की बनी हुई हैं, ऊपर ही ऊपर तैरती रहेंगी। ये तो तब देखा जाएगा जब तुम नदी में डूब कर मरोगे। क्या जमाना आ गया है, बहू ससुर की छुट्टी कर रही है। कौन बहू और कौन ससुर? क्या हम लोग ये नहीं जानते कि तुम जायदाद वापस लेने के लिए वकीलों के पास गए थे? अब ये जायदाद मेरी नल्ली की हो चुकी है, कानून तो कानून, भगवान भी इसे तुम्हें वापस नहीं दिलवा सकता। शराफत इसी में है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकलवा दिया जाएगा। धक्के देकर तो मैं यहीं बैठूंगा,
यहीं बैठूंगा, एक इंच भी नहीं लूंगा। बस एक इंच नहीं लोगे तो मैं पुलिस को बुलवा के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। पुलिस को बुलाओगे तुम? पुलिस को? हाँ, बनारसी, इधर आ, इधर आ। जी मालिक। हाँ, तेरा क्या ख्याल है? चला जाओ, मेरी समझ से काफी बेइज्जती हो चुकी। हाँ मालिक, आप जो हम कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं मालिक। बस अब मैं चला जाऊंगा, और ऐसी जगह रहना भी क्या जहाँ ऐसा राक्षस हो, ऐसी चुड़ैल हो। चल बेटी, ये काटेगा। अरे मैं कच्चा खा जाऊंगा, नमक भी नहीं मांगूंगा। हाँ बनारसी मालिक, मैं जा रहा हूँ, अपनी बहू रानी के पास जाऊंगा, अपनी रत्ना के पास जाऊंगा। कुछ सुना तुमने? क्या? तुम्हें रत्ना की तलाश है ना? हाँ। अरे रत्ना हमारे घर में ही थी। हमारे घर में थी? हाँ, चंदा ही रत्ना है। चंदा ही रत्ना है? हाँ। क्या करें? सच कह रही। रत्ना विधवा हो चुकी है। रत्ना विधवा हो चुकी है। गुलाब, तुम मुझे हजार गालियां दे लो, मगर कह दो ये बात झूठ है, कह दो ये बात झूठ है, ये बात सच नहीं है। रत्ना तो भी एक मासूम कली है, एक बच्ची है, एक कली है जिसे भी खिलना है। और चंदा तो एक बच्चे की मां बन चुकी है, एक फूल जो हमेशा के लिए मुरझा चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उफ, मैं क्या जानू, दो आदमी यहाँ आए थे, वही कह रहे थे। वो लोग रत्ना को अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी पूछा कि रत्ना का मामा रामू कहाँ है। वो तुम्हें एक दिन यहाँ देख के गए थे। जरूर रत्ना ने किसी मुसीबत में पड़कर अपना नाम बदल दिया। चंदा ही रत्ना, रत्ना विधवा हो चुकी है। रत्ना, रत्ना। रतन बाबू, चंदा की खबर मिली है। चंदा की खबर? जी हाँ। कहाँ है वो? शहर के बाहर बुद्ध आश्रम में एक अनाथ लड़की है। हमें शक है कि जरूर वही चंदा होगी। फिर कहा है कि आप चल के उसे पहचान लें। वो जरूर चंदा होगी। जी हाँ, जल्दी चलो। पुलिस के साथ कहाँ जा रहे हो? नलनी, चंदा शहर बुद्ध आश्रम है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। क्या मतलब, उस पतिता को लेने जा रहे हो? नहीं, इडियट। बेटी, तू इस जंगली के मुंह क्यों लगती है? ये कोई आदमी है? दरिंदा है, दरिंदा। रत्ना, तू कहां कहां ढूंढा है मैंने तुम्हें, कहां कहां भटका हूं मैं तुम्हारे लिए। लेकिन रत्ना, ये तुम्हारी मांग में सिंदूर? मैं विधवा भी हूं और सुहागन भी, लेकिन तुम्हें मेरे असली नाम का पता कैसे चला? सच्चाई कब तक छुपी रह सकती है? तुम इतने दिनों तक हमारे घर में रही, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम चंदा नहीं रत्ना हो? रत्ना, तुम्हें याद है तुम्हारा एक मामा फौज में नौकरी किया करता था? उसका नाम मत लो, ऐसे मामा से तो दुश्मन भले। मेरी माँ उसके रुपयों का इंतजार करते करते इस दुनिया से चल बसी। भाई होकर उसने अपनी बहन की जान ले ली, और तुम कहते हो मामा? ये तुम क्या कह रही रत्ना, ये बिल्कुल झूठ है। उससे जो कुछ बन पड़ा उसने किया, बल्कि एक आदमी के हाथ रुपए भी भेजे थे, मगर वो आदमी धोखेबाज निकला। तुम्हें कैसे मालूम? वो बदनसीब जो अपनी बहन और भांजी के लिए चाहते हुए भी कुछ न कर सका, वो मैं ही हूं रत्ना। तुम मेरे मामा। अब आने से फायदा, जब मेरी मां दम तोड़ रही थी, जब हमारे पुरखों की निशानी हमारा घर नीलाम हो रहा था, आते तो उस वक्त आते, अब क्या लेने आए हो? चले जाओ यहां से। रत्ना, 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 दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो।
अगर तुम्हारी माँ इस दुनिया से नाराज गई है तो ये कम से कम मत भूलो कि मैं उसका भाई हूँ। रत्ना, रत्ना दरवाजा। मिलाप हुआ भी तो किस हालत में। अच्छा रत्ना ये तो बताओ, तुम्हारी मांग में किसने सिंदूर भरा है? तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मुन्ने की जो जगह थी वो वहां पहुंच गया। अपने बाप के घर है क्या? मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो मामा। रत्ना तुम अब भी मुझे अपना नहीं समझती? मेरे लिए सारी दुनिया पराई है मामा। समझा, जिस धोखेबाज ने मेरी बहन की इकलौती निशानी का ये हाल किया है उससे बदला लिए बिना मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। मैं जैसी भी हूं अच्छी हूं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मामा। देखो रत्ना, अगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ है मेरे साथ भी बहुत धोखा हुआ है, लेकिन मैं अपने दोषी को माफ कर सकता हूं, तुम्हारे दोषी को हरगिज माफ नहीं कर सकता। अगर मुझे तुम्हारा पति कहीं मिल जाए तो मैं उसकी पीठ पर बैठ कर पूछूंगा तुमने मेरी भांजी की आंखों में आंसू क्यों भर दिए, उसकी फूल जैसी क्यों कुचल के रख दिया। बताओ रत्ना वो कौन है? तुम्हें मेरी कसम बताओ वो कौन है। नहीं मामा, नहीं, नहीं मामा, मेरी जुबान से तो उनका नाम कभी नहीं सुनोगे। भाई ये होटल है? नहीं ये आश्रम है, यहाँ गरीबों को मुफ्त खाना मिलता है। खाना? हाँ जी मुफ्त खाना मिलता है। देवी, देवी आपने ये क्या हालत बना रखी है? पिताजी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी बहू हूँ रत्ना। मुझे गौर से देखिए, मैं आपकी बहू रत्ना। रत्ना मेरी बहू। मुझे माफ कर दे पिताजी। आप क्या करें पिताजी, आप क्या करें? देख ले बेटी, देख ले तू, मेरे जीते जी मेरे कर्मों का फल आ गया सामने। जी ऐसा नहीं कहा करते, जो कुछ भी हुआ है उसे आप दिल से निकाल दीजिए, उसे भूल जाइए। बेटी तू मेरे घर की लक्ष्मी बनकर आई थी, तब मैंने तुझे ठोकर मार दी बेटी, और उस चांद डालनी को तेरी जगह दी जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बेटी बेटी चल मेरे साथ। नहीं पिताजी, ये अच्छा ही होगा कि मैं उन्हें अपना मुंह न दिखाऊं। ऐसा नहीं कहो बेटी, ऐसा मत कहो। बेटी तुम नहीं चलोगी तो मैं उसे ही बुला कर लाता हूँ, उसे ही बुला लाता हूँ। बेटी तुम यहीं रहना, तुम यहीं रहना बेटी। बाबू, बाबू यहाँ एक लड़की रहती थी, उसके एक बच्चा भी था, नाम था उसका चंदा। हो ना तुम, कोई चंदा बंदा नहीं है, चले जाओ। बाबू जरा धीरे बोलो, मेरा दिल बड़ा कमजोर है। मैं रत्ना के ससुराल का मुनीम हूँ, मैंने बड़े पाप किए लेकिन अब उन पापों का प्रायश्चित करने आया। रत्ना का
पति कौन है? रत्ना का पति रतन, गांव के सबसे बड़े सेठ दयाशंकर का लड़का, जो फौज में बड़ा, नहीं नहीं बाबू, बहुत बड़ा अफसर था। क्या हुआ गुलाब? वही तो है वो कम्बख, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसी को तो मैंने बहन के लिए पैसे दिए थे, संदूकची दी थी। बाबू तो क्या वो संदूकची आपकी थी? बारी जिस आदमी के लिए मेरे मुंह से दिन रात बद्दुआ निकलती है वही मेरी रत्ना का पति है, उसी ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। लेकिन अब वो बचकर कहां जाएगा? अब वो बचकर कहां जाएगा? रतन, रतन, कहां है वो शैतान जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? साहब तो अभी भी बंदूक लेके बाहर चले गए। अच्छा चंदा बहन, गुलाबी तू, रामू को पता चल गया है कि तुम्हारा पति रतन है, वही उसका बक्सा भी लाया था जो नहीं दिया, वो गुस्से में चला गया है, मुझे डर है वो कहीं कुछ कर ना बैठे, गुस्से में चला गया है। क्यों अब मौत सामने खड़ी नजर आ रही ना, लेकिन मरने से पहले ये सोच लो कि तुमने रत्ना को जीते जी मौत के घाट उतारा। उस नीच का नाम मत लो मेरे सामने, उस गिरी हुई औरत का नाम सुनने से मैं मर जाना पसंद करूंगा। रत्ना के बारे में जिस जबान से ऐसे शब्द निकलते हो मैं उस जबान को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नहीं, 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 तुम कौन हो इन पर हाथ उठाने वाले? रत्ना, ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं पूछ रही हूँ, एक औरत पूछ रही है, एक पत्नी पूछ रही है। क्या भी तुम्हें इससे प्यार है? हाँ, चाहे मुझे कितना भी दुख दे, कितना भी कष्ट दे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मेरे पति है, मैं इनकी दासी हूँ। ये तो मैं ही जानता हूँ कि तू किसकी दासी है, तू ये मत समझ के मैं तेरे तिरिया चरित्र के जाल में फंस जाऊंगा। मेरे दिल में घाव करके तू इसके घाव सड़ा रही थी, मैंने तेरा असली रूप देख लिया है, तू औरत नहीं नागिन है। नागिन सुन रही हो? सुन रही हो ये क्या कह रहा है? सुन रही हूँ, आप मुझे इतना नीच समझते हैं, इतनी गिरी हुई समझते हैं, तो चला दीजिए गोली। इस रत्ना पे एक दिन आपने अपने दिल में बसाया था, इसकी मांग में सिंदूर रचाया था, अब ये हाथों से मिटा दीजिए, मार दीजिए मुझे। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं 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 नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ इनके दिल में क्या जगह मेरे लिए। इन्होंने उस दिन जरूर मुझे देखा होगा तुम्हारे साथ, जिस दिन मैं तुम्हारे जग में पट्टी बांध रही थी, ये इनके शक का कारण है। अच्छा हुआ आज तुम दोनों के सामने हो, आज मुझे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए नदी में नहीं कूदना पड़ेगा, आग में नहीं जलना पड़ेगा, आज मैं उस आदमी की गोली का निशाना बनूंगी जिसके चरणों की धूल मेरा जीवन है। मरने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिसे आप दुश्मन समझते हो आपके दुश्मन नहीं है, मेरा मामा है, जिसके अमानत आज तक आप उठे उठे फिरते रहे। तो क्या इसने वो बस तुम्हारी माँ के लिए दिया? हाँ, आप देख क्या रहे, मुझे मार डालिए, मैं जीने नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। रत्ना, मुझे माफ करो, मुझसे भूल हो जाता, मुझे माफ कर दो। क्या करो रत्ना, किसी का कोई दोष नहीं, ये सब हमारे नसीब ही का खेल है। मालिक, मालिक, छोटे मालिक आ रहे हैं, बाद में बहू भी आ रहे हैं। बेटी, नहीं बेटी, मैं इस लायक नहीं हूँ, बेटी मैं इस लायक नहीं हूँ। साधु वो लक्ष्मी नहीं रही जिसकी पूजा मैं किया करता था, असली लक्ष्मी ये है साधु। मालिक, मेरे घर की असली लक्ष्मी है। मालिक, चंदा बहन ये रहा तुम्हारा मुन्ना, मुन्ना मेरा मुन्ना, बेटी। हम उधर से गुजर रहे थे तो देखा कि एक मोटर में एक आदमी और एक लड़की मरे पड़े हैं, ये मुन्ना भी वहीं पड़ा रो रहा था। तो वो वकील मर गया है? साधु अच्छा हुआ वकील मर गया। मालिक उसके यहाँ देर है या देर? ये लीजिए, ये बक्सा भी वहीं पड़ा था। ये रही आपकी अमानत, आपने कहा था ना इसे जान से ज्यादा संभाल के रखना। इसे रामू को दे दो। रामू, तुमने कहा था ना इसमें तुम्हारे खानदान की खुशियों का चिराग है,
ये लो राजा। लेकिन छोटे मालिक, इसे खोल कर तो देखना चाहिए कि इसमें है क्या। इसके मालिक आए दिन बदलते रहते हैं। हाँ बाबू, खोलो खोलो खोलो। ये लो चंदा, ये तुम्हारे लिए। छोटे बाबू, शादी पहले और दहेज बाद में। नहीं बाबा, ये दहेज अब हम गुलाबी को देते हैं। लो। क्यों मामा, पसंद है ना?